हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश कुमार तिवारी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जावा मल्टी थ्रेडिंग इन वन वीडियो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो एक जावा प्रोग्रामर को मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम लोग पूरी जावा मल्टी थ्रेडिंग कवर करेंगे एक ही वीडियो में, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मल्टी थ्रेडिंग के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको वो सारे मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जो एक जावा प्रोग्रामर को आने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन, कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है और कैसे मल्टी थ्रेडिंग मल्टी टास्किंग को करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे जावा में आप थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो, कैसे थ्रेड्स क्रिएट होने के बाद आप थ्रेड्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जो थ्रेड एक बार बनता है पूरी लाइफ में उसमें वो स्टेजेस जाके फॉलो करता है थ्रेड। तो वो सारे स्टेजेस समझेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद थ्रेड ऑपरेशन समझेंगे कि थ्रेड के ऊपर आप ऑपरेशंस कैसे बना सकते हो, थ्रेड को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसका नाम सेट कर सकते हो, कैसे नाम गेट कर सकते हो, कैसे उसे स्लीप करा सकते हो, कैसे उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, कैसे इंटरप्ट करा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग थ्रेड ऑपरेशंस में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्रेड डेमन थ्रेड क्या होता है। डेमन थ्रेड मतलब हम लोग देखेंगे कैसे सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड हम लोग बनाते हैं, और हम लोग गार्बेज कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। एंड द लास्ट वन प्रोजेक्ट हमारा रहेगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर एल्गोरिथम को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जावा की हेल्प से। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हमारे इस वाले वीडियो का एक प्रोजेक्ट होने वाला है। हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे कैसे आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और यहां पे जरूरत पड़ेगी आपको दो चीज, एक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड्स एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। चलिए फ्रेंड, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस को क्रिएट करता रहूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है अगर हम एक ही साथ दो थ्रेड चला दें तो वही हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, दैट मीन्स हमारे पास कई सारे थ्रेड हैं और अगर हम उन सारे थ्रेड को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर दें तो वही हमारी मल्टी थ्रेडिंग होती है। बट मल्टी थ्रेडिंग करते क्यों है ये चीज़ समझते हैं थोड़ा। मल्टी थ्रेडिंग हम लोग मल्टी टास्किंग को करने के लिए करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कई सारे थ्रेड हैं, थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड थ्री, तो हर एक थ्रेड के पास कुछ ना कुछ काम होगा। सपोज एक का काम है फाइल डाउनलोड करना है, एक का काम है फाइल को रीड करना, एक का काम है सॉन्ग प्ले करना, तो वो सारे थ्रेड एक ही साथ में चल सकते हैं। दैट मीन्स वो सारे काम एक ही साथ में हो सकते हैं, और कई सारे अगर हम काम एक ही साथ में करते हैं तो वही हमारा होता है मल्टी टास्किंग। तो मल्टी टास्किंग को अचीव करने के लिए हमारा मल्टी थ्रेडिंग काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देख पाएं तो ये थ्रेड की एक छोटी सी डिफिनीशन है, अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास प्रोसेस एक बड़ी चीज है तो उसके अंदर का जो पार्ट होगा छोटे छोटे वो क्या होंगे, थ्रेड्स होंगे। जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकूँ, सपोज ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्क्रीन पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, और स्क्रीन पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात क्या होंगे हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसेस होंगे। ये हमारा पहला प्रोसेस, फिर हमारा है ये दूसरा प्रोसेस, और फिर है हमारा तीसरा प्रोसेस। इस तरह से कई सारे प्रोसेसेस हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज पहला जो प्रोसेस है वो एक VLC मीडिया प्लेयर है, फर्स्ट प्रोसेस इज योर VLC मीडिया प्लेयर। तो अगर आप इसका नाम दे पाओ तो इसका नाम सपोज मैं देता हूँ VLC। इसी तरह आप यहाँ पे सपोज दूसरा प्रोसेस चला देते हो वो होता है IDM। उसके बाद आप तीसरा प्रोसेस आप MS ऑफिस भी एग्जीक्यूट कर देते हो उसी समय, और आप काम करते रहते हो, VLC आपका गाना भी प्ले करता रहता है, और साथ ही साथ में IDM आपके इंटरनेट से फाइलों को भी डाउनलोड करता रहता है। तो इसी तरह MS वर्ल्ड में आप टाइपिंग वगैरह भी करते हो। इस तरीके से ये जो तीन चार चीज़ें आप साथ में करते हो वो फाइनली होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। बट सपोज हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल IDM का, तो IDM जो होता है वो एक ही काम, एक प्रोसेस तो है IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, दैट मीन्स इसका काम है फाइल को डाउनलोड करना, फाइल को नेट से डाउनलोड करना, ठीक है। तो लेकिन जब आप IDM को यूज़ करते हो तो वो एक बार में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फाइल डाउनलोड करता है, वो क्या करता है, आप क्या करते हो टोरेंट से कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो वो मूवी भी डाउनलोड कर रहा होता है। एक फाइल, ये तो फाइल एक हो गई, दिस इज योर फाइल वन। उसी तरह अगर आप सपोज कोई लेक्चर डाउनलोड कर रहे हो तो वो क्या कर रहा होता है, वो लेक्चर वाली फाइल भी डाउनलोड कर रहा होता है, जिप फाइल या कोई फाइल।
और इसी तरह आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो तो वो सॉन्ग भी डाउनलोड कर रहा होता है, फाइल थ्री को भी वो डाउनलोड कर रहा होता है। ये सिर्फ मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इसी तरह एन नंबर ऑफ चीज़ें वो एक ही साथ डाउनलोड कर सकता है। तो सपोज IDM की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, और IDM ही एक बार में क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है एक ही साथ, मूवी भी, लेक्चर भी, सॉन्ग्स भी। दैट मीन्स एक प्रोसेस IDM अपने अंदर बहुत सारे काम कर रहा है, और वो होता है पॉसिबल थ्रेड की हेल्प से। तो यहाँ पे थ्रेड जो मैंने आपको बताया कि सपोज आप IDM ले रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो IDM इज़ वन प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आपने एक प्रोसेस लॉन्च किया IDM, और IDM के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स चल रहे हैं। एक थ्रेड, इसको बोल सकते हैं हम T1, सो दिस इज योर T1, थ्रेड वन वो एक मूवी को डाउनलोड कर रहा होता है। इसी तरह आप T2 दूसरा थ्रेड जो होगा वो आपके दूसरी फाइल को डाउनलोड कर रहा होगा, और T3 जो आपका तीसरा थ्रेड होगा आपके तीसरी फाइल को डाउनलोड कर रहा होगा। तो एक बड़ा सा IDM है, उसके अंदर भी बहुत सारे फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, और वो किसकी हेल्प से हो रही हैं, थ्रेड की हेल्प से हो रही हैं। दैट मीन्स ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा कि कई सारे थ्रेड को मिला के एक प्रोसेस बनता है। तो यहाँ पे थ्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बट इंटरनली थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बट वो आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे मैं एकदम मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर क्या कर रहा होता है कि एक बार में कई सारे फाइलें डाउनलोड कर रहा होता है एक ही साथ। तो अब क्या होगा कि क्योंकि एक ही साथ सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, तो अकेला एक लोग एक ही फाइल एक बार में डाउनलोड कर पाएंगे। तो IDM के अंदर कई सारे थ्रेड चल रहे होते हैं, थ्रेड T1 जो एक फाइल डाउनलोड कर रहा होता है, थ्रेड T2 जो दूसरी फाइल डाउनलोड कर रहा होता है, T3 जो तीसरी फाइल डाउनलोड कर रहा होता है। इसी तरह IDM एक जो प्रोसेस है बड़ा सा, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग फाइलों को डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब अपना अपना काम साथ में कर रहे हैं। कभी भी अगर आप IDM की फोटो देखोगे वहां पे स्क्रीन पे जो दिखाता है वो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि तीनों चारों डाउनलोड, जितने भी डाउनलोड आप कर रहे हो सारे एक ही साथ हो रहे हैं, परसेंटेज एक ही बढ़ते रहते हैं। दैट मीन्स थ्रेड की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो एक साथ एग्जीक्यूशन करते हैं। अब बात आते हैं थ्रेड, तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक प्रोसेस चल रहा है, चाहे VLC मीडिया प्लेयर चल रहा है, चाहे IDM चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे, उनको हम लोग बोल लेंगे थ्रेड की हेल्प से वो सारे काम हो रहे हैं। बट अब मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, तो मैं बता दूं, जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर देखता हूँ, सो दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे काम साथ में हो सकते हैं। जैसे सपोज आप VLC मीडिया प्लेयर भी यूज़ कर रहे हो साथ ही में, और आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर भी यूज़ कर रहे हो, तो आप दो प्रोसेस को दो काम करने के लिए साथ में यूज़ कर रहे हो। दैट मीन्स दिस इज योर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग को अचीव किया बट आपने प्रोसेस की हेल्प से अचीव किया, सो ये क्या हुआ, आपका मल्टी प्रोसेसिंग हुआ। बट अगर मैं एक ही प्रोसेस की बात करूँ तो एक ही प्रोसेस के अंदर भी आपने क्या किया, कई सारे फाइल को डाउनलोड किया एक ही साथ, तो प्रोसेस के अंदर जो हो रहा है प्रोग्रामिंग लेवल पे अगर मैं देखूँ तो ये जो कोड लिखा गया होगा, ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाया गया होगा। तो इस प्रोग्राम में, इस वाले प्रोसेस के अंदर भी कई सारी फाइलें आप साथ में डाउनलोड कर पा रहे हो। तो अब आप इस प्रोसेस के अंदर देखिए और आप देखेंगे कि कई सारे थ्रेड साथ में चल रहे हैं, सो दिस इज योर मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर आप कई सारे प्रोसेस को साथ में मिला के काम करते हो एक से ज़्यादा, तो क्या होता है वो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। बट अगर आप थ्रेड की हेल्प लेते हो कि कई सारे थ्रेड को आप बना दो और साथ ही में काम करो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी थ्रेडिंग। बट क्योंकि हम लोग OS लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें मल्टी प्रोसेसिंग कोई मतलब नहीं, हम लोग को मल्टी थ्रेडिंग से मतलब है। क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, सपोज आप एक मेन मेथड बना रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो, दिस इज योर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है आपका, सो जब वो प्रोग्राम चलेगा, सो दिस इज योर वन प्रोसेस, वो एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस होगा, वो ट्रीट किया जाएगा एज अ वन प्रोसेस, जिसके अंदर मेन मेथड होगा, तो वो ट्रीट किया जाएगा एज अ वन प्रोसेस। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, ये तो अभी मैंने आपको बताया, हर एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड होंगे। तो एक थ्रेड तो बाय डिफॉल्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। तो आप जो प्रोग्राम चलाते हो, जो मेन मेथड चलता है, वो कुछ नहीं होता, उसके अंदर मेन थ्रेड होता है। फिर हम लोग क्या कर सकते, ये एक ही काम कर रहा होता है, सो कम से कम एक प्रोसेस को बनने के लिए कम से कम एक थ्रेड तो चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो दूसरा काम T1 की हेल्प से कर सकते हैं, थ्रेड वन बना सकते हैं, फिर थ्रेड टू बना सकते हैं, फिर थ्रेड थ्री बना सकते हैं। इसी तरह एन नंबर ऑफ थ्रेड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर। दैट मीन्स हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें एक मेन मेथड है, हमारे सॉफ्टवेयर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मेन मेथड है, और मेन मेथड में चल रहा थ्रेड उसका नाम होता है मेन थ्रेड। तो बाय डिफॉल्ट ये थ्रेड तो आपको आ ही जाता है। दैट मीन्स आपके प्रोसेस में कम से कम एक थ्रेड तो रहेगा, उसका नाम क्या होगा, मेन थ्रेड। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम और भी थ्रेड्स बना सकते हैं, और जावा में हम इसको इतनी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि जावा ने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं हमको काम करने के लिए, इसलिए जावा इस मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी टास्किंग क्या होती है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप कई सारे प्रोसेस को ले करके
कई सारे काम को साथ में कर रहे हो, दिस इज योर मल्टीटास्किंग। सपोज आप बीएलसी, आईडीएम, ऑफिस, ये सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हो, और अगर आप कई सारे थ्रेड को ले करके काम कर रहे हो एक साथ, तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में ही क्या कर, वो प्रोग्राम जैसे आपने चलाया वो गाना भी प्ले कर रहा है, साथ में मूवी भी डाउनलोड कर रहा है। सो आपका एक ही प्रोग्राम है जो दो काम कर रहा है। सो योर वन प्रोग्राम इज अ प्रोसेस, लेकिन जब वो चलेगा तो उसके अंदर दो थ्रेड चल रहे होते हैं, एक म्यूजिक प्ले कर रहा होगा और एक आपका क्या कर रहा होगा, एक आपका फाइल डाउनलोड कर रहा होगा। सो वो दो तो काम होंगे मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से हुए होंगे। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, क्योंकि उसके प्रोसेस के अंदर होता है, तो आप क्या कह सकते हो, इट इज सब प्रोसेस एंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि आपको और भी चीजें कैसे, और मैं अच्छे से इसको कैसे समझा सकता हूं। तो थोड़ा सा देखते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं एक बार, मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। तो सपोज दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात क्या होंगे, प्रोसेसेस चल रहे होंगे। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, आईडीएम होता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, और अगर आप कोई एक जावा प्रोग्राम बनाते हो तो वो भी एक प्रोसेस होता है। अब ये सारी चीजें साथ में चला रहे हो, सो दिस इज योर मल्टी प्रोसेसिंग, कई सारे प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है। अब वीएलसी चल रहा होगा तो गाना भी बज रहा होगा, आईडीएम चल रहा होगा तो फाइल भी डाउनलोड हो रही होगी, और आपका प्रोग्राम भी चल रहा होगा, तो तीन काम साथ में हो रहेंगे। सो दिस इज योर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेस ओएस लेवल पे आप देख रहे हो। बट अगर मैं आईडीएम की तरफ बढ़ता हूं, थोड़ा अंदर जाता हूं, तो आईडीएम में एक थ्रेड चल रहा होगा जो एक फाइल को डाउनलोड कर रहा होगा साथ में ही, दूसरा थ्रेड चल रहा होगा जो दूसरी फाइल को साथ में ही डाउनलोड कर रहा होगा। जैसे T1 और T2 दोनों अपनी अपना काम साथ में कर रहे होंगे, मतलब ये अपना फाइल डाउनलोड कर रहा होगा, अपना फाइल डाउनलोड कर रहा है आईडीएम के अंदर। सो दिस इज योर थ्रेड्स, ठीक है। इसी तरह एक थ्रेड 3 होगा, वो अपना फाइल डाउनलोड कर रहा है, इसी तरह आपका थ्रेड 4 होगा जो चौथी फाइल डाउनलोड कर रहा होगा, दैट मीन्स चार फाइलें डाउनलोड हो रही लगातार, दर 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 डाउनलोड हो रही हैं, और वो सारा काम आईडीएम के अंदर हो रहा है। तो अंदर वाली जो चीजें हैं फाइलों को डाउनलोड कर प्रोसेस के अंदर, दैट इज योर थ्रेड्स, और अगर ऊपर लेवल पे देखते हो तो वो प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट, उसी तरह वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर भी बहुत सारे थ्रेड्स चल सकते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर भी बहुत सारे थ्रेड्स चलते हैं। इसी तरह जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें भी हम लोग क्या बना सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं थ्रेड्स की हेल्प से। तो जावा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड T1, T2, T3, T4। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, और अगर थ्रेड्स को यूज करके आप कई सारे काम को साथ में करते हो तो उसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, और अगर प्रोसेस को यूज करके कई सारे काम को अगर साथ में करते हो सो दैट इज योर मल्टी प्रोसेसिंग। परफेक्ट। अब बात करते हैं थ्रेड्स को क्रिएट कैसे करना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रेड्स को क्रिएट करने में बहुत आसान है, बहुत ट्रस्ट में बहुत आसान है। आप एक बार देखिए, अगर आपको कोर का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आता है तो थ्रेड बनाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहला तरीका थ्रेड को क्रिएट करने का, यूजिंग रनेबल। रनेबल एक इंटरफेस है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो, एंड यूजिंग थ्रेड क्लास। जो थ्रेड है वो आपकी एक क्लास है, तो इन दोनों की हेल्प से थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। बात करते हैं बारी बारी से। तो यहां पे जावा ने इंटरफेस आपको दे दिया है रनेबल, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और रनेबल के पास क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है रन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रन मेथड है, और ये एक इंटरफेस है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें अगर अपनी कोई क्लास बनानी है तो हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा और रन को ओवरराइट करना होगा। तो अभी बात करते हैं और लाइब्रेरी की, जैसे सपोज इस जावा ने एक थ्रेड क्लास भी दी है, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट लाइब्रेरी है java.lang पैकेज के अंदर। तो एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल, और उसके अंदर रन मेथड है। रन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर हम लोग टास्क लिखते हैं जो मुझे कराना होता है थ्रेड से। उसके बाद जावा ने थ्रेड क्लास भी दिए, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ मेथड्स भी दिए होंगे थ्रेड पे काम करने के लिए। और जावा ने क्या किया है, बहुत अच्छी चीज की है, थ्रेड को एक्सटेंड करा दिया है रनेबल की हेल्प से। दैट मींस रनेबल की सारी प्रॉपर्टीज थ्रेड क्लास के पास हैं, इसका मतलब रन भी थ्रेड क्लास के पास भी है, और जावा ने रन मेथड को यहां पे ओवरराइड कर दिया है, बट कोई बॉडी नहीं दी, ओवरराइड कर दिया इस क्लास को कॉन्क्रीट क्लास बनाने के लिए। तो इतना एपीआई दिया। अब हम लोग को अगर थ्रेड बनाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास एक बनाऊंगा, क्लास माई थ्रेड एक अपनी क्लास बना लूंगा, और ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज योर इनबिल्ट, ये पहले से है। लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे रनेबल बनाना है या थ्रेड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये चीज पहले से आपको मिल गई है। आप यहां पे जो ऑरेंज कलर का है वो है, उसे क्रिएट करोगे, दैट मीन्स आप एक क्लास बना लोगे एक अपना थ्रेड, और सिंपली करोगे क्या, आप इन दोनों में से एक तरीका यूज कर लोगे। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल को डायरेक्ट, और अगर आप रनेबल को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको थ्रेड क्लास से कोई मतलब ही नहीं है। आप डायरेक्ट रनेबल को इंप्लीमेंट करो और यहां पे ओवरराइड कर दो रन मेथड को, और अगर ओवरराइड कर दो रन मेथड को तो रन मेथड की बॉडी दे दो, बस दैट्स इट। अब बॉडी में लिखोगे क्या, बॉडी में वही स्टफ लिखोगे जो थ्रेड से कराना होगा, मतलब थ्रेड का वो काम, वो टास्क,
यहां पे आप लिख दोगे किसके अंदर, रन की हेल्प से, रन के अंदर लिख दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात ओवरराइट करना होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, आप एक्सटेंड कर सकते हो थ्रेड क्लास को भी। बात तो वही हुई, क्योंकि ये रन मेथड इसके पास आ रहा है, और जब आप एक्सटेंड कर लोगे तो वही रन इसके पास भी आ जाएगा। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करने के बाद भी इस रन जो इसके पास है, जो कहाँ से आया, यहाँ से आया, उस रन को भी आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो और टास्क लिख सकते हो थ्रेड का, जो थ्रेड को टास्क, जो थ्रेड को काम देना है वो किसके अंदर जाएगा, वो रन के अंदर जाएगा। सो अगर आपसे कोई पूछता है रन मेथड क्या है, तो रन एक मेथड है जो इंटरफेस के अंदर है। किस इंटरफेस के अंदर, रनेबल इंटरफेस के अंदर है। और हम लोग रन के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जो मुझे थ्रेड को देना होता है, दैट मीन टास्क या स्टफ फॉर द थ्रेड, जो थ्रेड से काम कराना होगा और रन के अंदर देना होगा। तो सिंपली बता दूं, सबसे पहला तरीका था आपको इंप्लीमेंट करना है रनेबल को और ओवरराइड करना है रन मेथड को। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो किसे, थ्रेड क्लास को सिंपली एक्सटेंड कर सकते हो। तो होपफुली आपको थ्रेड कैसे क्रिएट करना है ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप रन को, रनेबल को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा रन मेथड को, या फिर अगर आप एक्सटेंड करते हो तो भी आपको ओवरराइड करना पड़ेगा रन मेथड को, अगर आपको बॉडी देनी है, दैट मीन्स थ्रेड से काम कराना है। तो रनेबल एक इंटरफेस है, थ्रेड एक क्लास है, ये दोनों जो हैं वो java.lang पैकेज में है। तो आपको एक्सप्लिसिटली कोई भी लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट करनी है, क्योंकि java.lang आपके जावा में बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होती है। नेक्स्ट चले अब बात करते हैं, एक बार थ्रेड बन गया तो उसे स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा थ्रेड बना के, दोनों तरीके से थ्रेड बना के प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो थ्रेड, सपोज आपने थ्रेड बना लिया, सबसे पहला तरीका आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास बना ली है माई थ्रेड और इंप्लीमेंट कर लिया है रनेबल को, किसे, रनेबल को इंप्लीमेंट कर लिया और आपने ओवरराइड कर दिया पब्लिक वॉइड रन, दिस इज योर रन, ये आपका रन है, run है। सो सॉरी फॉर दैट, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई हल्का सा। तो यहाँ पे ओवरराइड कर दिया पब्लिक वॉइड रन और आपने इसके अंदर टास्क लिख दिया, कुछ भी टास्क हो सकता है, फाइल को डाउनलोड करने का टास्क हो सकता है, कोई डिस्प्ले करना हो कुछ हो सकता है, लूप चलाना हो कुछ भी हो सकता है, दिस इज योर टास्क जो आप दोगे किसे, आप थ्रेड को दोगे। बट ये आपका थ्रेड नहीं है अभी, ये ब्लू प्रिंट है आपके थ्रेड का, अभी सिर्फ ये ब्लू प्रिंट है, दैट मीन्स इसकी हेल्प से आप थ्रेड्स को क्रिएट करोगे। तो आपने एक ब्लू प्रिंट रेडी कर लिया, दैट मीन्स स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब सपोज आपको थ्रेड बनाना है तो सिंपली आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने इस माई थ्रेड का। तो हम लिखेंगे माई थ्रेड टी इज इक्वल टू माई थ्रेड टी, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, दैट मीन्स इस ब्लू प्रिंट को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब काम हो गया यहाँ पे और एक थ्रेड बन के रेडी है, जो जिसका रेफरेंस आपने टी में रख लिया। बट टी को स्टार्ट कैसे करेंगे, टी को स्टार्ट करने के लिए आप एक दूसरी क्लास, क्लास का नाम है थ्रेड क्लास, दिस इज योर थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास, आप सिंपली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो मैंने बना लिया है थ्रेड, थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और मैंने अपने इसका रेफरेंस टी को पास कर दिया है थ्रेड के पास। और अब हम लोग इस थ्रेड से बोलेंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट, दैट मीन्स थ्रेड स्टार्ट कर देगा जिस थ्रेड का रेफरेंस होगा, तो इस थ्रेड के पास किसका रेफरेंस, टी का रेफरेंस है, तो टी को स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही स्टार्ट होगा रिसोर्सेस एलोकेट हो जाएंगे और ये टी, इस थ्रेड जो थ्रेड बना था उसके पास बॉडी थी रन की और रन सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो थ्रेड को ऐसे स्टार्ट करना है थ्रेड क्लास के पास, java.lang.thread क्लास के पास स्टार्ट मेथड है, उसके पास स्टार्ट मेथड है, वो स्टार्ट मेथड थ्रेड यूज कर सकता है। जैसे आप थ्रेड डॉट स्टार्ट कॉल कर लोगे, आपका थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा सिंपली। अगर आप दूसरा तरीका फॉलो करोगे तो सिंपली आप ऐसे करोगे, क्लास बना लोगे माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, क्योंकि अब आपने क्लास को एक्सटेंड कर लिया और फिर आप टास्क वैसे ही दे दोगे पब्लिक वॉइड रन रन और यहाँ पे आप टास्क दे दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली अपने माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लोगे माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई थ्रेड और टी डॉट स्टार्ट कर लो। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थ्रेड क्लास की अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, इसमें क्यों ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, इसमें क्यों ऑब्जेक्ट बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, ये चीज देखिए। क्योंकि जब आपने रनेबल इंप्लीमेंट किया तो रनेबल के पास सिर्फ रन मेथड है, उसी को ओवरराइड किया, स्टार्ट मेथड नहीं मिला। तो आपने क्या किया, इस थ्रेड को पास कर दिया टी को, इस थ्रेड टी को पास कर दिया थ्रेड के पास और इस थ्रेड के पास स्टार्ट मेथड है तो कॉल हो गया। बट जब आपने इस थ्रेड को ही एक्सटेंड किया तो इसके पास रन तो आया ही आया, साथ ही साथ में स्टार्ट मेथड भी आ गया माई थ्रेड के पास इनहेरिटेंस के थ्रू। जब इसके पास माई थ्रेड के पास इनहेरिटेंस से रन स्टार्ट मेथड आ गया तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप टी पे स्टार्ट मेथड कॉल कर सकते हो। बट यहाँ पे रन, रनेबल के पास कोई स्टार्ट मेथड था नहीं तो आप डायरेक्ट माई थ्रेड के पास नहीं है उसको कॉल नहीं कर सकते हो। बट थ्रेड के पास डायरेक्ट स्टार्ट मेथड है तो इनहेरिटेंस के थ्रू इसके पास स्टार्ट आ गया और आप सिंपली इसी का इसी के ऑब्जेक्ट पे टी पे स्टार्ट कॉल कर सकते हो। टी के स्टार्ट कॉल करोगे तो डायरेक्ट वो थ्रेड क्लास का ही स्टार्ट कॉल होगा। यहाँ पे
टी डॉट स्टार्ट कॉल करते तो यहाँ पे कोई स्टार्ट मेथड नहीं मिलता तो कैनॉट फाइंड सिंबल आ जाता। तो सिंपली इसके लिए स्टार्ट, अगर आपको इसके लिए स्टार्ट करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा टास्क करना पड़ेगा, थ्रेड का अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और अपने थ्रेड का रेफरेंस यहाँ पे पास करना पड़ेगा, फिर आप थ्रेड डॉट स्टार्ट करोगे। बट इसमें आप डायरेक्ट टी डॉट स्टार्ट कॉल कर सकते हो। बट एक्चुअली ये वाला बेस्ट तरीका है, आप रनेबल को ही मोस्टली यूज़ करो, क्योंकि ये बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, थ्रेड जो अपनी क्लास बना रहे हो थ्रेड वाली, उसमें इंप्लीमेंट करा सकते हो रनेबल, साथ ही साथ में यहाँ पे एक्सटेंड भी करा सकते हो क्लास को, मतलब साथ ही साथ में आप इंप्लीमेंट रनेबल भी करा सकते हो, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को भी ले सकते हो। बट यहाँ पे एक थ्रेड अगर आपने एक्सटेंड करा लिया, इस थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा लिया, तो आप दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। दैट मीन्स इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये जो पहला तरीका है थ्रेड को क्रिएट और स्टार्ट करने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है, आप यही यूज़ करा करिए। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, बस इसमें स्टार्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी होती है, जो आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली थ्रेड को बनाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम लोग थ्रेड बनाएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग थ्रेडिंग को समझने के लिए कोई भी आईडी नहीं यूज करेंगे, सिंपली मैं यहां पे काम करूंगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। तो मैं क्या करता हूं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सिंपली ओपन कर लेता हूं और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमारे सामने यहां पे ओपन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीज को मैं सिंपली बंद कर देता हूं और यहां पे हम लोग बनाने वाले हैं थ्रेड का पूरा सारी चीज़। तो मैं सिंपली इन सब चीज़ को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली न्यू फाइल कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कोडिंग करनी होगी, आप लोग की सबलाइन या किसी भी नोटपैड पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ओपन कर लेंगे कि CMD कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पे हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपली मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और सबसे मस्ट चीज़ है कि जावा का पाथ सेट होना चाहिए। तो मैं सिंपली टाइप करूंगा जावा स्पेस डैश वर्जन जहाँ पे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। और जैसे मैं टाइप करूंगा तो यहाँ आप देखोगे जावा का 13.0 वर्जन यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल है, उसका पाथ सेट है। कोई दिक्कत नहीं, आपके में कोई वर्जन हो 1.7 1.8 कोई भी इशू नहीं है, बट आपके में पाथ सेट होना चाहिए। अगर पाथ सेट नहीं है तो आप सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करके पाथ सेट कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। या आप इक्लिप्स वगैरह में भी यही काम कर सकते हो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिंपली मैं डेस्कटॉप पे क्या करूंगा, सिंपली ध्यान से देखिए, मैं सिंपली डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाऊंगा थ्रेड्स का। तो मेन्यू पे चलूंगा और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूंगा और नाम दे दूंगा थ्रेड्स। ठीक है, आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाले फोल्डर को ड्रैग करके अपने सबलाइन में ओपन कर लूंगा यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे, लेफ्ट साइड में थ्रेड्स का फोल्डर ओपन है। आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो इस चीज़ को, आप फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो और अपना फोल्डर सिंपली डेस्कटॉप वाला क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सिंपली डेस्कटॉप वाला फोल्डर आप यहाँ पे जाओ, डेस्कटॉप वाले फॉलो फोल्डर में सेलेक्ट करना, डेस्कटॉप के अंदर थ्रेड्स नाम का फोल्डर है, इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लो। परफेक्ट, आपका देखोगे तो आपका फोल्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके से एक बारी से थ्रेड बनाते हैं। तो सिंपली मुझे एक जावा की क्लास बनाई है, थ्रेड्स में राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे करूंगा और कंट्रोल एस क्लिक करूंगा और सिंपली मैं इसका नाम दे दूंगा। आपको बस सिंपली देखना है, मैं दे दूंगा माई थ्रेड डॉट जावा। परफेक्ट, बन गई फाइल। अब हमको इसमें कोड लिखना है, तो सिंपली अपना एक क्लास बना लूंगा माई थ्रेड। और हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना है। ये पहला तरीका, या आप कैसे करते हो, पहले तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पहला तरीका था इंप्लीमेंट रनेबल, तो आप सिंपली यहाँ क्या कर लो, रनेबल को इंप्लीमेंट कर लो। और मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग, या ऐसे लिख देते हैं क्रिएटिंग आवर थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस। परफेक्ट, और हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, क्योंकि जावा का रूल है कि कभी भी आप किसी भी क्लास को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे सारे इंटरफेस के मेथड। जावा का ये रूल है कि किसी भी आप क्लास में किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे इस इंटरफेस के सारे मेथड्स, और बॉडी देनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे, इसके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड रन, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड रन और इसकी बॉडी दूंगा। अब इसके अंदर देना क्या है, इसके अंदर वो कोड लिखना है जो हम थ्रेड से कराना चाहते हैं काम। तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपली मैं यहाँ पे यहाँ लिख दूंगा टास्क फॉर थ्रेड, टास्क फॉर थ्रेड। और सिंपली मैं क्या करूंगा, टास्क देने के लिए सपोज 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करता हूं, तो सिंपली लगाऊंगा फॉर का लूप। और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं सबसे कि आपको फॉर का लूप आता होगा, तो मैं 1 से लेकर चलूंगा 10 तक और आई को सिंपली प्लस कर दूंगा। और परफेक्ट। अब लोग क्या करूंगा, यहाँ पे system.out.println और मैं यहाँ पे आई को लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा वैल्यू ऑफ आई इज, और सिंपली आई की वैल्यू। परफेक्ट,
ये हमारा थ्रेड का टास्क हो गया। अभी हम बताएंगे कि टास्क आप थ्रेड को क्या कर सकते हो, वेट भी करा सकते हो, स्लीप करा सकते हो, वेट करा सकते हो, वो धीरे धीरे वेट करेगा, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल हमने टास्क बना दिया। सो अब आपका थ्रेड नहीं क्रिएटेड है, आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार है जिसके हिसाब से आप थ्रेड बनाओगे, दैट मीन्स ये क्लास है, ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसे ही आप इस माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपका थ्रेड रेडी हो जाएगा और उस थ्रेड के पास ये वाला काम आ जाएगा जो आपने दिया है। चलिए बनाते हैं। तो ये सारा काम मैं करूंगा मेन मेथड में, तो सिंपली आप मेन मेथड बना लो और आप थ्रेड बनाना, मतलब क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ माई थ्रेड क्लास, परफेक्ट। तो माई थ्रेड अपने थ्रेड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो सिंपली। कैसे बनाओगे? माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, परफेक्ट। अब सिंपली आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, दैट मीन्स ये आपका थ्रेड है और इसके अंदर बॉडी है रन की, दैट मीन्स इस रन के अंदर जो काम आपने लिखा था इस T1 का काम है, इस थ्रेड का काम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे T1.start कॉल कर लोगे तो एरर आ जाएगी। एरर इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपने T1.start कॉल किया, इसका मतलब आपने ऐसा सोचा है कि इस माई थ्रेड के पास स्टार्ट मेथड है, जबकि माई थ्रेड के पास कोई भी स्टार्ट मेथड नहीं, ना इसके पेरेंट के पास है, तो कैनॉट फाइंड सिंबल आ जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, CD पहले डेस्कटॉप पे चलूंगा और डेस्कटॉप के अंदर थ्रेड्स में चलूंगा, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अपना प्रोग्राम कंपाइल करता हूं और mythread.java एंटर करूंगा, तो सिंपली आप देखोगे कैनॉट फाइंड सिंबल, देखिए कैनॉट फाइंड सिंबल T1.start, इसका मतलब इसको स्टार्ट मेथड का ये मतलब नहीं पता चल पा रहा है। तो सिंपली आपको ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले बनाना है एक हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है थ्रेड या THR लिख सकते हो, न्यू थ्रेड, और सिंपली अपने थ्रेड का रेफरेंस यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है THR की थ्रेड को स्टार्ट करने की, तो मैं जब भी मुझे थ्रेड स्टार्ट करना होगा तो मैं THR से बोलूंगा, भैया स्टार्ट कर दो हमारे थ्रेड को, और इस THR बंदे के पास हमारे थ्रेड का रेफरेंस है, ये हमारे थ्रेड को सिंपली स्टार्ट कर देगा। आप Ctrl+S से सेव कर लो या फाइल से जाके सेव कर लो और आप यहाँ पे आके फिर से आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आके फिर से कंपाइल करो javac mythread.java, एंटर कर दो और सिंपली आप देखोगे आपकी फाइल कंपाइल हो गई, दैट मीन्स आपका थ्रेड बन चुका है। अब आप सिंपली रन कर सकते हो, तो मैं लिखूंगा जावा माय थ्रेड, एंटर करोगे तो आप देखोगे वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 थ्रेड प्रिंट कर दिया, थ्रेड ने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अब इसने मेन थ्रेड ने नहीं प्रिंट किया, ये आपके थ्रेड ने प्रिंट किया है, इस थ्रेड ने वैल्यूज को प्रिंट किया है जिसको आपने क्रिएट किया था। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, भैया एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमारा थ्रेड एक सेकंड का वेट करे, तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो thread.sleep, जो भी थ्रेड चल रहा होगा वो थ्रेड स्लीप हो जाएगा और आपको देना है मिली सेकंड, तो आप दे दोगे 1000। और आपको ट्राई कैच लगाना होता तो सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ ट्राई लगा दो और ट्राई के अंदर ये लिख दो, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो कैच एक्सेप्शन E, ठीक है। और मैं भी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने इस चीज़ को ट्राई कैच के अंदर रख दिया, क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है और चेक्ड एक्सेप्शन आपको कैच करना ही करना होगा। अब आप सिंपली क्या करो, अपने फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर दो और अपने प्रोग्राम को सिंपली क्या कर दो, रन कर दो। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो थ्रेड बनाया है उस थ्रेड पे आपका कंट्रोल है, आपने एक एक सेकंड का वेट भी करा दिया, क्योंकि ये यूजर थ्रेड है, आपका थ्रेड है, तो आपने इसको क्रिएट किया यूजर डिफाइंड थ्रेड, तो काम हो रहा है। अब इसको कोई भी काम दे सकते हो। इसी तरह आप एक और थ्रेड बना के दोनों थ्रेड को मेन मेथड में स्टार्ट कर सकते हो, 3 थ्रेड 4 थ्रेड जितने मर्जी उतने थ्रेड बना के स्टार्ट कर सकते हो। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ कि आप कैसे इंप्लीमेंट किया और कैसे आप एक्सटेंड थ्रेड करके थ्रेड को क्रिएट करोगे। सिंपली मैं एक और थ्रेड बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ माई अनदर थ्रेड डॉट जावा, और मैं यहाँ क्लिक देता हूँ क्रिएटिंग थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास, ठीक है। सिंपली आपको एक क्लास बनाना है माई अनदर थ्रेड, इस बार आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, इस बार आपको एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को, और थ्रेड की पेरेंट जो है वो है रनेबल, ठीक है। आपको फिर से ओवरराइड करना होगा पब्लिक वॉइड रन, और आपको बस एक बार ही सीखना है आपको। अब यहाँ पे आपको फिर से बॉडी देनी है, बॉडी कैसे देनी है, सिंपली आप इस बार मैं उल्टा नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ, उल्टा नंबर्स मतलब 100 ऐसा कर सकते हो 10 to 1, तो आप एक फॉर लूप चला दो, तो यहाँ पे एक दो टास्क फॉर थ्रेड और आप उल्टा लूप चलाओ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, परफेक्ट। और आप लिख दो system.out.println और हमने कहा अनदर थ्रेड
इक्वल टू और फिर आई की वैल्यू। परफेक्ट, थ्रेड का टास्क भी डिफाइंड हो गया, तो इसको वर्ड रैप कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि थ्रेड प्रिंट करने के बाद स्लीप ले 2 सेकंड की, तो सिंपली आपको ट्राई कैच ही लगाना होगा, क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रू करता है। तो सिंपली आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे लिखिए थ्रेड डॉट स्लीप, तो आप लिखिए थ्रेड डॉट स्लीप और आपको मिली सेकेंड में आपको देना है टाइम, तो सिंपली आप मिली सेकेंड का टाइम दे दीजिए। सपोज 2 सेकंड देना है तो 2000 मिली सेकेंड देना होगा। परफेक्ट, अब आप इसको सेव करिए। लेकिन अभी आपने क्लास के अंदर मेन मेथड को बना के इसको कॉल भी कर सकते हो, या सिंपली आप इसी यहीं भी कॉल कर सकते हो, इसी मेन मेथड में कॉल कर सकते हो, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों यहीं पे बना के कॉल करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भैया दोनों थ्रेड साथ में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एक आपका ये वाला थ्रेड है जो अभी आपने बनाया है, इसकी बॉडी ये, और एक आपका ये वाला थ्रेड है जिसकी बॉडी ये है। तो हम लोग आते हैं इसी मेन में और यहीं पर हम लोग ने ये थ्रेड बनाया, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर थ्रेड, ऑब्जेक्ट बनाओ भाई, अनदर थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू अनदर थ्रेड। और अब आपको इस बार थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस T2 के पास ऑलरेडी स्टार्ट मेथड है, वो कहाँ से आया होगा, एक्सटेंड से आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली THR को स्टार्ट करने के बाद अपने T2 को भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा थ्रेड का मतलब, पता चल जाएगा दो थ्रेड कैसे साथ में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग आएंगे, पहले क्लियर कर लेंगे CLS और फिर अपने दोनों फाइल को कंपाइल कर लेंगे। सबसे पहले माई अनदर थ्रेड को कंपाइल कर लीजिए, उसके बाद अपने माई थ्रेड को कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, माई थ्रेड को कंपाइल करिए, जावासी माई थ्रेड को कंपाइल करिए। अब आप मेन मेथड वाले थ्रेड को रन करिए। तो यहां पे बता रहा है अनदर थ्रेड T2 कन्वर्ट फाइंड सिंबल, तो परफेक्ट है। आप देखोगे आपने क्लास का नाम लिया माई अनदर थ्रेड, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, माई, और यहाँ भी आप यूज करोगे क्लास का नाम माई। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कोडिंग करते समय। अब आप सिंपली कंपाइल करोगे और सिंपली आप माई थ्रेड उस क्लास को रन करोगे, दोनों में से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस और इस क्लास में वो क्लास रन करोगे जिसके पास मेन मेथड है, तो मेन मेथड किस क्लास के पास है, इस क्लास के पास है भाई, तो मेन मेथड आप इस क्लास को रन कर दो। जैसे इस क्लास को रन करोगे तो आप देखोगे दो थ्रेड चल रहे हैं और दोनों साथ में प्रिंटिंग कर रहे हैं। दिस इज वॉट, आपने अपने प्रोग्राम को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक टुकड़ा 1 से 10 तक सीधा नंबर प्रिंट कर रहा है, एक टुकड़ा 10 से लेकर 1 तक दूसरा नंबर प्रिंट कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट थ्रेड, एक जो 1 से लेकर 10 तक जो सीधा नंबर प्रिंट कर रहा है वो आपका पहला थ्रेड है, जो उल्टा नंबर प्रिंट कर रहा है वो आपका दूसरा थ्रेड है। बट अगर आपसे कोई पूछता है टोटल इन दोनों में कितने थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो 3 थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं। 2 तो आपने बनाए, एक ये वाला थ्रेड जो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा था, और ये वाला थ्रेड, ये 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा था, और दूसरा ये वाला थ्रेड जो 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट कर रहा था। 2 थ्रेड साथ में आप देख सकते हो आउटपुट, दिस इज योर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, एक ही साथ थ्रेड का एग्जीक्यूशन हुआ है। एक थ्रेड मेन थ्रेड भी है, ये जो मेन मेथड के अंदर चलता है वो आपका मेन थ्रेड होता है, इसी का काम था स्टार्ट करना। तो इस मेन थ्रेड, सबसे पहले जब आपने प्रोग्राम चलाया होगा तो JVM ने इसी मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके मेन थ्रेड ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मेन थ्रेड ने इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया, बाकी उसके बाद खुद खत्म हो गया। दैट मीन्स मेन थ्रेड ने अपना काम करके खुद खत्म हो गया, और उसके बाद ये दोनों अपना अपना काम करेंगे, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से हम थ्रेड को बनाते हैं और इस तरीके से हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड को कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल वगैरह क्या होती है थ्रेड की, थ्रेड के ऊपर और भी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। एक ऑपरेशन तो मैंने यहाँ पे सिखा दिया, 2 ऑपरेशन सिखा दिया, कैसे थ्रेड को स्टार्ट करना है, कैसे थ्रेड को स्लीप कराना है। इसके आगे भी हम लोग और भी चीज़ें बताएंगे, और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे थ्रेड वगैरह को स्टार्ट करना है। फिलहाल आपको ये जो कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ क्लिक करके वहाँ पे जाके आप ले सकते हो, और वहाँ पे हमारे कोर्सेज सीरियल वाइज भी हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज एक जगह पे भी देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, और होपफुली आप इसको समझिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, इस चीज़ को समझिए थ्रेड को क्रिएट और स्टार्ट कैसे हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल का मतलब थ्रेड जब बनते हैं, क्रिएट होते हैं, तो और अंत होने तक कौन कौन से स्टेजेस से गुजरते हैं, कौन कौन से फेजेस से गुजरते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नया थ्रेड होता है, जब आप
अपने ब्लूप्रिंट, अपने क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप जैसे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो नए वाले फेज में होगा, न्यू वाले फेज में होगा, लेकिन जैसे ही आपने स्टार्ट कॉल कर दिया वो रनेबल में चला जाता है। रनेबल होता है आपका वेटिंग, ऐसा कह सकते हैं वेटिंग है। वेटिंग का मतलब कि एक्टिव थ्रेड तो है, इन दोनों वेटिंग रनेबल और रनिंग को मिला के इन दोनों को बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव स्टेज, इसको बोल सकते हैं एक्टिव स्टेज, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्या एक्टिव स्टेज। दैट मीन्स जैसे ही आपने स्टार्ट कॉल किया तो क्या हुआ थ्रेड एक्टिव तो हो गया थ्रेड, लेकिन एक्टिव होने के बाद भी क्या हुआ रनेबल स्टेट में। रनेबल का मतलब कि थ्रेड अभी वेट कर रहा है क्यू में, क्यू में लगा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा थ्रेड चल रहा होगा, दैट मीन्स अभी प्रोसेसर खाली नहीं है। तो थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, थ्रेड शेड्यूलर अभी इसका काम शेड्यूल नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे क्यू लाइन में लगा रहेगा। जैसे ही ये इसको मौका मिलेगा ये चला जाएगा किसमें, रनिंग में चला जाएगा। ये यहाँ जब रनिंग में पहुंचेगा तब जाके यहाँ पे वो काम कर रहा होगा, अपने रन वाले मेथड की बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा होगा यहाँ पे। लेकिन बाय चांस किसी वजह से आप स्लीप कॉल कर देते हो या किसी आयो के लिए वो वेट करने लगता है या सस्पेंड हो जाता है या वेट हो जाता है, तो यहाँ पे रह के नहीं वेट करेगा, वो चला जाएगा ब्लॉक्ड स्टेट में, दैट मीन नॉन रनेबल स्टेट में, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे वो वेट करेगा, या तो आपने स्लीप किया होगा तो स्लीप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वेट करेगा, या आप उसे नोटिफाई नहीं कर दोगे तब तक वेट करेगा, या उसका टाइम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक वेट करेगा, या आप नोटिफाई नहीं करोगे तब तक वेट करेगा, तब तक कि दूसरा जो वेट कर रहा होगा वो इस रनिंग में चल रहा होगा, रनिंग में चल रहा होगा। जैसे ही इसका टाइम ओवर होगा, जैसे सपोज आपने इसको वेट किया था और फिर बाद में इसको नोटिफाई कर दिया, या इसको स्लीप किया था और स्लीप करने के बाद आपने क्या किया, इसको इसका टाइम ओवर हो गया, जैसे ही टाइम ओवर हुआ या आयो जिस आयो के लिए वेट कर रहा था उसको जैसे ही आयो मिलेगा वो सिंपली चला जाएगा किसमें, रनेबल में चला जाएगा। मतलब आया तो यहाँ से था बट चला जाएगा वो रनेबल में, क्योंकि जैसे इसका वेट खत्म हुआ तो लाइन में जाएगा, ना कि डायरेक्ट जहाँ काम हो रहा होगा, सिंपली जाएगा कहाँ पे, लाइन में जाएगा, और फिर दोबारा जब इसे मौका मिलेगा तभी वो रनिंग में आएगा, ये आप समझ लीजिए। तो आप स्लीप करके यहाँ पे ले जा सकते हैं नॉन रनेबल में वेट करने के लिए, यहाँ थ्रेड हमेशा वेट यहाँ करते हैं, बाकी तब तक दूसरे थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, रन चल रहा होगा, उसके बाद सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे ही इसका टाइम ओवर होगा या ब्लॉकिंग या जैसे ही इसका वेटिंग वाला स्टेट टाइम खत्म होगा, सिंपली वो डायरेक्ट आएगा क्यू में, यहाँ रनेबल में फिर से आएगा और रनेबल में फिर से लाइन में लग जाएगा, जब इसको मौका मिलेगा तो फिर से ये रनिंग में आएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सपोज यहाँ रनिंग में और इसकी मेथड रन मेथड की बॉडी खत्म हो गई, तो सिंपली क्या चला जाएगा, वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, दैट मीन्स सब थ्रेड आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर रन कर रहा होगा और आपने स्टॉप मेथड कॉल कर लिया तो भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा। सिंपली यही है पूरी लाइफ साइकिल, सबसे पहले न्यू, जैसे स्टार्ट कॉल करते हो रनेबल में आ जाता है, लाइन में लग जाता है, लाइन में लग जाता है, जैसे लाइन में लग जाएगा जब उसको मौका मिलेगा थ्रेड शेड्यूलर उसके लिए टाइम देगा कि भैया अब आपका टाइम है, तब ये जाएगा किसमें, रनिंग में जाएगा, अपना काम करेगा। लेकिन क्या पता काम कर रहा हो इसको कुछ आयो के लिए वेट करना पड़ेगा, इनपुट के लिए वेट करना हो गया, जैसे इनपुट के लिए इसको वेट करना होगा या स्लीप करना होगा, सिंपली आएगा यहाँ पे, यहाँ पे रह के स्लीप नहीं करेगा, सिंपली आएगा यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेट है, दैट मीन्स ये वेटिंग स्टेट है, यहाँ पे वेट करेगा। जब इसकी वेटिंग खत्म होगी तब वो सिंपली जाएगा रनेबल में, दैट मीन्स फिर से लाइन में लग जाएगा, और फिर से जब मौका मिलेगा तो ये रन करेगा, और जब अपना टास्क खत्म कर लेगा तो सिंपली आ जाएगा इसमें टर्मिनेटेड स्टेट में, दैट्स इट। ये है पूरी लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम लोग थ्रेड्स, जो हम लोग अपना थ्रेड बना रहे हैं, तो उन थ्रेड के ऊपर कैसे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, कैसे थ्रेड को स्लीप करोगे, कैसे थ्रेड को स्टार्ट करोगे, कैसे थ्रेड को वेट कराओगे, कैसे उसका नाम सेट करोगे, कैसे उसकी प्रायोरिटी सेट करोगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स थ्रेड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम है थ्रेड क्लास। इस थ्रेड क्लास की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने थ्रेड के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है ये चीज़ देखते हैं। जो भी हम थ्रेड बनाते हैं, कोई भी अगर हम थ्रेड बना रहे हैं, सपोज हमने एक थ्रेड बनाया है माई थ्रेड, ठीक है, तो हम लोगों ने एक थ्रेड बनाया है, तो ये जो थ्रेड है वो या तो इस ये थ्रेड या तो हमारे अपने थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास होगा, या तो हमारे इस थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास होगा, या तो हम इस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे इस थ्रेड क्लास की हेल्प से। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस थ्रेड के पास हमें जाना पड़ेगा, या तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी पड़ेंगी, या तो हमें इसका रेफरेंस देना होगा किसके पास, इस थ्रेड के पास, तभी हमारा थ्रेड अपना स्टार्ट हो पाएगा। तो हम लोग के पास ये जो थ्रेड क्लास हमें मिली हुई है, ये वाली थ्रेड क्लास ये हमें मिली हुई है हमारे एक पैकेज में, java.lang पैकेज में, और इसी क्लास के पास वो सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग अपने थ्रेड पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब इस थ्रेड के पास वो सारी फंक्शनैलिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे, या आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स ऑल द फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस विद आवर यूजर डिफाइंड थ्रेड्स। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, दिस थ्रेड क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज, सो वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट द पैकेज। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है जिस थ्रेड क्लास को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो थ्रेड क्लास अवेलेबल है हमारे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब आपको अपनी इस थ्रेड क्लास को इम्पोर्ट भी नहीं करना, या पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो जावा डॉट लैंग पैकेज है, वो पैकेज ऑटो इम्पोर्टेड है आपकी क्लास में। तो इसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं, थ्रेड क्लास हुई, रनेबल हुआ, या फिर मैथ क्लास हुई, तो आपके रैपर क्लासेस हुई, उनको यूज़ करने के लिए आपको ये पैकेज इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जावा का डिफॉल्ट पैकेज है। तो जावा वाले फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके क्लास में जो यूज़र डिफाइंड क्लास होगी, उस क्लास में ये पैकेज ऑलरेडी ऑटो इंपोर्टेड होगा। तो इतना इतना बढ़िया चीज है, अमेजिंग चीज है कि आप डायरेक्ट थ्रेड क्लास को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स, कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूं थ्रेड क्लास के, जिस जो आपको हेल्प करेंगे थ्रेड को समझने के लिए, और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये कैसे करने हैं, ये सारी चीज। तो सपोज यहाँ पे आपको नाम गेट करना है किसी भी थ्रेड का नाम गेट करना है, तो आप सिंपली यूज कर सकते हो गेट नेम मेथड। उस थ्रेड पे आप गेट नेम कॉल कर लो, तो आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा उस थ्रेड का। उसी तरह आपके पास मेथड है सेट नेम। आप अगर किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट किसी भी थ्रेड का नाम सेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट पे, उसी थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो सेट नेम, और आप नाम पास कर सकते हो, तो नाम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रन मेथड इंपॉर्टेंट है। हर एक थ्रेड के पास एक रन मेथड होता है, इट कंटेन्स द टास्क ऑफ द थ्रेड। रन मेथड के अंदर क्या होता है, आप टास्क लिख देते हो, वही टास्क थ्रेड काम करता है, वही टास्क थ्रेड चलाता है जब भी वो रन होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कलर दूसरे कलर से आया। जब आप थ्रेड को एक्सटेंड करते हो, तो आप रन को ओवरराइड करते हो, दैट मीन्स उसी रन के अंदर क्या होता है, टास्क होता है थ्रेड का। नेक्स्ट, स्टार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैथड। स्टार्ट थ्रेड बाय एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, दैट मीन्स ये स्टार्ट थ्रेड क्या करेगा, आपके थ्रेड को स्टार्ट कर देगा, चालू कर देगा, चला देगा। दैट मीन्स आपका थ्रेड, ये कॉल होने के बाद आपका थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, काम करने लगेगा, अपने लाइफ साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, आपका थ्रेड काम करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी रिसोर्सेज उसे चाहिए होंगे वो एलोकेट हो जाएंगे, ये स्टार्ट मैथड उन रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा। इसी तरह आप थ्रेड की आईडी निकाल सकते हो, क्योंकि हर एक थ्रेड को जब थ्रेड शेड्यूलर चलाता है, तो उसकी एक आईडी असाइन कर देता है, तो उस आईडी को भी आप प्रिंट कर सकते हो, थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो गेट आईडी, आपको आपके थ्रेड की आईडी सिंपली मिल जाएगी। नेक्स्ट, जैसे आप सेट नाम कर सकते हो, गेट नाम कर सकते हो, वैसे ही आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो, सेट प्रायोरिटी के आप प्रायोरिटी पास कर सकते हो, उसी तरह आप प्रायोरिटी को गेट कर सकते हो। तो ये गेट सेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को सेट गेट करने के लिए, उसी तरह बहुत सारे मेथड्स हैं और जिस जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे स्लीप। अभी हम लोगों ने अपने जब थ्रेड बनाया था, तो मैंने स्लीप यूज़ किया था। उसी तरह दो थ्रेड को आप ज्वाइन भी कर सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे मेथड यूज कर सकते हो थ्रेड्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ये सारे मेथड किस क्लास में अवेलेबल हैं, सारे मेथड्स अवेलेबल हैं आपके थ्रेड क्लास के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ मेथड्स को यूज़ करेंगे, कैसे आप नाम को सेट करोगे किसी थ्रेड को, कैसे थ्रेड का नाम गेट करोगे, कैसे स्टार्ट कॉल करोगे, कैसे रन कॉल करोगे, कैसे आप ये सारे स्लीप मेथड कॉल करोगे, कैसे ये सारा काम करोगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ देखते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले इन पे कुछ ऑपरेशंस में परफॉर्म करके दिखा दूँ, उसके बाद हम लोग डेमन थ्रेड कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है थ्रेड ओपी डॉट जावा, थ्रेड ऑपरेशंस डॉट जावा, ठीक है। तो हमने शॉर्टकट यूज़ किया है थ्रेड ओपी डॉट जावा, एक क्लास बना ली है, और सिंपली हमने इसमें एक मेन मेथड बना लिया है। और मैं क्या करूँगा, सिंपली आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ दे दूंगा प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम जब एंड हो जाएगा तो मैं एक और मैसेज दे दूंगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड या प्रोग्राम एंडेड, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे कोई भी काम करना चाह रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे एक एक्स ले रहे हैं, और एक्स में हम लोग 56 प्लस 34 कर रहे हैं, और मैं इन दोनों के एडिशन को क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐड कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, एडिशन करके मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सम इज दिस विच एक्स, ठीक है। तो हमारा एडिशन आ जाएगा।
एक बार मैं यहाँ पे प्रोग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं देख हम बताएंगे आपको कि थ्रेड पे हम लोग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और कुछ ऑपरेशंस मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा भी। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और अपने थ्रेड वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ मैं कंपाइल करूँगा थ्रेड ओपी को। तो लिखूँगा जावा सी थ्रेड ओपी डॉट जावा। परफेक्ट, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करूँगा, तो लिखूंगा जावा और क्लास का नाम लिखूंगा थ्रेड ओपी और एंटर कर दूंगा। तो आप देखोगे प्रोग्राम स्टार्टेड, फिर आंसर आया मेरा प्रोग्राम एंडेड। तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर उसने काम किया और प्रोग्राम एंड हो गया। नाउ अभी तक हमने कोई यूज़र थ्रेड इसमें नहीं क्रिएट किया, ये सिंपल प्रोग्राम है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब भी कोई मेन मेथड चलता है तो यहाँ पे एक मेन थ्रेड चलता है। नाउ जब मेन थ्रेड चलता है तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली में चेक करना है कि क्या जो यहाँ पे थ्रेड चल रहा है, जिसने सम किया है यहाँ पे, उस थ्रेड का क्या मैं नाम प्रिंट कर सकता हूँ, और अगर नाम प्रिंट कर सकता हूँ तो उसका नाम क्या होगा। और अगर जावा ने हमें यहाँ पे मेन प्रिंट कर दिया, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे जिस थ्रेड का नाम हम प्रिंट कर रहे हैं वो थ्रेड क्या है, वो मेन थ्रेड है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सिंपली तो आपको अगर थ्रेड का करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा हो यहाँ पे इस लाइन पे, तो आपके पास एक मेथड है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ठीक है। आप इसको कॉल करो, स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास का, स्टैटिक मेथड करंट थ्रेड। ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा उसी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जो यहां पे चल रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लूंगा टी में। नाउ अब टी क्या है भाई, टी में वो ऑब्जेक्ट, उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस जो थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसी थ्रेड का मैं नाम प्रिंट करूंगा। नाम कैसे प्रिंट करते हैं, जब भी आप टी पे गेट नेम मेथड यूज कर लेते हो थ्रेड पे, तो ये आपको रिटर्न कर देता है नाम। तो मैं स्ट्रिंग में टी नेम स्टोर कर लूंगा टी नेम वेरिएबल में, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा करंट रनिंग थ्रेड इस, और थ्रेड का सिंपली टी नेम प्रिंट कर दूंगा। इस केस में अगर मुझे मेन प्रिंट मेन मिल गया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हमारा कौन सा नाम प्रिंट हो, कौन सा थ्रेड चल रहा है उसका नाम प्रिंट हो रहा है, और वो है मेन थ्रेड। तो सिंपली थ्रेड को मैंने निकालने के लिए, थ्रेड के नाम को मैंने फेच करने के लिए सिंपली मैंने यूज किया है थ्रेड ऑब्जेक्ट पे गेट नेम मेथड। और हमें किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, सिंपली आप यूज करोगे करंट थ्रेड मेथड, जो कि स्टैटिक है थ्रेड में, इसीलिए मैंने क्लास नेम डॉट मेथड नेम यूज किया है। चलिए अब इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या हमारा थ्रेड का नाम प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है। तो सिंपली हम आ जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और अपने प्रोग्राम को सिंपली मैं रन करता हूं, और सिंपली मैं क्या करता हूं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पे इसने आंसर दिया, और फिर देखिए करंट रनिंग थ्रेड इज मेन, जबकि मेन मैंने कहीं नहीं प्रिंट किया था, ये मेन क्या आ रहा है भाई, टी नेम, दैट मीन्स थ्रेड का नाम, जो भी थ्रेड यहाँ पे चल रहा है उस थ्रेड का नाम क्या है, मेन थ्रेड। नाउ अब इसका मतलब सच तो है भाई, यहाँ पे मेन थ्रेड चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस थ्रेड को रीनेम कर सकते हैं, दैट मीन्स इसका नामकरण कर सकते हैं, नया नाम रख सकते हैं, नाम रख सेट कैसे करते हैं नाम, अभी मैंने आपको मेथड सिखाया सेट नेम, यूज टू सेट द थ्रेड नेम। तो आप उसी थ्रेड का नाम टी डॉट सेट नेम कर सकते हो, और कह सकते हो दिस या माई मेन, ठीक है, नाम सेट हो जाएगा। और अगर आप फिर प्रिंट करते हो इसका नाम, तो आप देखिएगा नया वाला नाम मिलेगा, दैट मीन्स इस हिसाब से हम लोग थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं। तो फिर से आप टी डॉट गेट नेम यूज करिए, और अगर इस बार आपने नाम सेट कर दिया तो आपको ऑब्वियसली बात है कौन सा नाम मिलेगा, देखिए आपको नया वाला नाम मिलेगा माय, ठीक है। तो आपको नया वाला नाम मिला, इस तरीके से नाम को गेट कर सकते हो, नाम को सेट कर सकते हो। नाउ आप चाहते हो कि मैं थ्रेड को स्लीप करूं 5 सेकंड के लिए, तो आप स्लीप मेथड यूज कर सकते हो या वेट मेथड यूज कर सकते हो स्लैप को थ्रेड को स्लीप कराने के लिए। कैसे, सबसे पहले आपको सिंपली देखिए जो स्लीप मेथड है वो स्टैटिक मेथड है, तो आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो थ्रेड डॉट स्लीप। तो होगा क्या, जो करंट थ्रेड चल रहा होगा वो स्लीप हो जाएगा, तो जो भी करंट थ्रेड चल रहा होगा यहाँ पे मेन थ्रेड है, तो मेन थ्रेड स्लीप हो जाएगा। कैसे, आपको देना है मिलीसेकंड्स, तो आप अगर दे दो यहाँ 5000 मिलीसेकंड, दैट मीन्स 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आपका ये वाला थ्रेड करंट थ्रेड जो कि मेन है वो स्लीप हो जाएगा, रुका रहेगा। तो 5000 मिलीसेकंड्स मैंने दिया, दैट मीन्स हमने यहाँ 5 सेकंड दिया। बट एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो थ्रेड, ये जो मेथड है स्लीप, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसका नाम है इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन, और वो चेक्ड है, तो आपको यहाँ पे ट्राई कैच लगाना जरूरी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच यूज कर लेता हूँ, ट्राई एंड कैच, ठीक है, सिंपली मैंने ट्राई कैच यूज कर लिया। अब इसको मैं अलग अलग लाइन पे कर सकता हूँ, अलग लाइन पे कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा समझ में आए। तो सिंपली मैंने ट्राई के अंदर स्लीप लगाया और कैच के अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं लिखा है। अगर प्रोग्राम चलाऊंगा तो आप देखोगे कि आपका प्रोग्राम
जो थ्रेड है मेन थ्रेड वो 5 सेकेंड का स्लीप लेगा, उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा ये एंड होगा। चलिए इस प्रोग्राम को सिंपली फिर से कंपाइल और रन करते हैं। तो हम प्रोग्राम को मैंने सिंपली कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो देखिए 5 सेकेंड का स्लीप ले रहा है, जैसे 5 सेकेंड कंप्लीट होंगे फिर से रनिंग स्टेट में आएगा और अपना काम कर देगा, और काम करने के बाद सिंपली ये फिनिश, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा प्रोग्राम एंडेड। और आप देख भी पाओगे आपके पास प्रोग्राम एंडेड का यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, दैट मीन्स हमारा थ्रेड यहाँ पे इसने स्लीप भी कर। इस तरीके से आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। मैं यहाँ पे मेन थ्रेड पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैंने निकाला, थ्रेड का नाम गेट किया, नाम सेट किया, मैंने स्लीप कराया, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप इसकी आईडी भी देख सकते हो कि भाई मेन थ्रेड की आईडी क्या है। तो चलिए आईडी प्रिंट करते हैं गेट आईडी वाले मेथड से। तो हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे आईडी कैसे निकालोगे भाई, जो भी थ्रेड चल रहा है उसका ऑब्जेक्ट टी में रखा हुआ है आपने निकाला था, ये देखिए टी में, तो इस टी का आप सिंपली आईडी निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे टी डॉट गेट आईडी, जैसे आप गेट आईडी मेथड यूज करोगे, इस टी जो कि मेन थ्रेड हमारा इस केस में था, उस टी की आपको सिंपली आईडी प्रिंट हो जाएगी। आप देखोगे ठीक है, तो इसकी आईडी 1 है, इसका मतलब इस थ्रेड की आईडी 1 असाइन किया था थ्रेड शेड्यूलर ने। इस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। दो और इंपॉर्टेंट मेथड रन और थ्रेड कब यूज होते हैं भाई, रन स्टोर करता है, रन स्टोर करता है थ्रेड का टास्क, थ्रेड करेगा क्या। तो सपोज आप यूजर थ्रेड बना रहे हो, सपोज यहां पे मैंने एक यूजर थ्रेड बना लिया, क्लास यूजर थ्रेड, और यूजर थ्रेड बनाने के लिए हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को, परफेक्ट। और अगर आपको बॉडी देनी है तो सिंपली आपको रन मेथड ओवरराइड करना होगा, ये मैं अभी थोड़ी देर आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब इस रन के अंदर है क्या भाई, आपके थ्रेड की, थ्रेड का टास्क, यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क फॉर थ्रेड, जो टास्क थ्रेड करता है। तो समझ जाइए थ्रेड जो रन होता है उसके अंदर टास्क होता है जो थ्रेड को परफॉर्म करना होता है। इस जो भी आप थ्रेड यहाँ पे लिखोगे सिंपली, सपोज इसका काम आपने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने लिख दिया है दिस इज यूजर डिफाइंड थ्रेड, आपने लिख दिया है। अब इस थ्रेड को शुरू करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टार्ट मेथड। तो सपोज आप यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हो यूजर डिफाइंड थ्रेड को, तो यहां पे लिख देता हूं गोइंग टू स्टार्ट यूजर डिफाइंड थ्रेड, ठीक है, स्टार्ट कर दिया डिफाइंड थ्रेड, मतलब कमेंट करके लिख दिया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपली आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया थ्रेड को, तो इस थ्रेड से स्टार्ट मेथड आ गया होगा, तो सिंपली कॉल करना होगा। तो आप सिंपली यहां पे लिखिए यूजर थ्रेड टी इज इक्वल टू, या टी तो पहले ले चुके हो तो आप यहां पे थ्रेड लिख सकते हो इज इक्वल टू न्यू यूजर थ्रेड, और सिंपली आप कॉल कर सकते हो थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट मेथड थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, सिंपली आप देखोगे इस प्रोग्राम को रन करोगे, कंपाइल करोगे, फिर इस प्रोग्राम को सिंपली आप रन करोगे, तो आप देख पाओगे कि आपका थ्रेड स्टार्ट होगा, उसके बाद अपना काम करेगा और सिंपली रन हो जाएगा। तो आप देखोगे यूजर थ्रेड, ठीक है, इसका मतलब थ्रेड स्टार्ट हुआ तभी तो प्रिंट हुआ। तो इस थ्रेड ने, इस स्टार्ट मेथड ने आपके थ्रेड को स्टार्ट किया, रन के अंदर जो भी कोड था वो एक्सक्यूट हो गया। इसका मतलब रन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है, गेट आई डी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम, स्लीप, ऐसे करके एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ही बताए हैं कैसे आप थ्रेड के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं डेमन थ्रेड्स क्या होते हैं। तो डेमन थ्रेड्स इन जावा आर द सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर थ्रेड, या दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर थ्रेड। तो डेमन थ्रेड एक सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड होते हैं जो थ्रेड्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसे, यूजर थ्रेड को या किसी दूसरे थ्रेड को। इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो डिपेंड करती है दूसरे थ्रेड पे। फॉर एग्जांपल सपोज हमारा एक थ्रेड चल रहा है यहाँ से, ये हमारा एक नॉर्मल थ्रेड है, और इस थ्रेड का मैंने नाम दे दिया T1। अब नाउ सपोज हमारे पास एक डेमन थ्रेड है जो इस T1 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इसका नाम है D1 फॉर डेमन थ्रेड, इसलिए मैंने लिया। अब ये डेमन थ्रेड इस थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो पूरी साइकिल है, पूरा लाइफ है, वो डिपेंड कर रहा है इस T1 पे। सपोज ये थ्रेड चलता जा रहा है और ये D1 इसको सर्विस प्रोवाइड करता जा रहा है, तो इसकी लाइफ अपने आप पे नहीं डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है तो ये
इसको भी यहाँ पे आके खत्म होना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो D1 था, डायमंड थ्रेड था, वो T1 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अगर ये डाई हो गया तो ये भी हमारा थ्रेड डाई हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड डायमंड थ्रेड। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द डायमंड थ्रेड इज अ गार्बेज कलेक्टर। जी फ्रेंड, जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो भी हमारा एक डायमंड थ्रेड का ही काम करता है। वो भी एक डायमंड थ्रेड ही है। काम क्या करता है, वो भी सिंपली एक डायमंड थ्रेड है। और वो भी क्या करता है, वो भी सपोज ये हमारा कोई नॉर्मल प्रोग्राम है, तो जब भी कोई हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चलता है तो इसके पीछे पीछे डायमंड थ्रेड भी चलता रहता है। दैट मीन्स गार्बेज कलेक्टर, इसी को हम लोग गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। गार्बेज कलेक्टर GC भी चलता रहता है, जिसको मतलब गार्बेज कलेक्टर भी चलता रहता है। और ये हमारे यूजर थ्रेड को, जो हम लोग थ्रेड बनाते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है गार्बेज को क्लीन करके। दैट मीन्स हमारा कोई थ्रेड चल रहा है, उसके पीछे हमारा गार्बेज कलेक्टर बहुत आसानी से धीरे धीरे चलता रहेगा और सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा, गार्बेजेस को क्लीन करता रहेगा। जो कचरा निकलेगा हमारे थ्रेड, हमारा जो कचरा निकालता जाएगा थ्रेड, वो ये GC उसे क्लियर करता जाएगा, क्लीन करता जाएगा, जिससे कि मेमोरी बाकी थ्रेड्स भी यूज़ कर पाएँ, बाकी लोग भी यूज़ कर पाएँ। लेकिन जैसे ही हमारा थ्रेड, यूज़र डिफाइंड थ्रेड यहाँ से ख़त्म होता है, गार्बेज कलेक्टर अपने आप इस प्रोग्राम के लिए ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स गार्बेज कलेक्टर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डायमंड थ्रेड। ये हम समझ सकते हैं डायमंड थ्रेड क्या होता है। डायमंड थ्रेड ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो दूसरे थ्रेड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी भी थ्रेड को आप डायमंड बना सकते हो सिंपली बाय कॉलिंग सेट डायमंड, और डायमंड में आप सिंपली यहाँ पे अगर आप ट्रू पास कर दो तो हमारा कोई भी थ्रेड होगा वो डायमंड बन जाएगा। आ गया सबको समझ में? सिंपली क्या करना है आपको, सेट डायमंड ट्रू फॉल्स कर देना है। और किसी भी थ्रेड के अंदर बॉडी में रन मेथड के अंदर जा करके हम किसी भी थ्रेड को चेक कर सकते हैं कि वो थ्रेड डेमन है कि नहीं है। अगर डेमन होगा तो डेमन वाला काम लिख देंगे या डेमन वाले फंक्शनैलिटी उसे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप दो मेथड को यूज़ करके डेमन के साथ काम कर सकते हो। सबसे पहला सेट डेमन, डेमन आप ट्रू पास कर दो, हमारा थ्रेड सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड बन जाएगा। आप ट्रू बुलियन वैल्यू दे सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इस डेमन से चेक कर सकते हो कि कोई थ्रेड डेमन है कि नहीं है। इस तरीके से आप डेमन थ्रेड के साथ काम करते हो। तो मैंने समझा दिया डेमन थ्रेड क्या होता है। नेक्स्ट अब आते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम करते हैं। जो प्रोग्राम हमने आपको बोला था वो प्रोग्राम करते हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो उसको अच्छे से समझेंगे फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने थ्रेड के बारे में सारी चीज़ सीख ली, थ्रेड की लाइफ साइकिल सीख ली, थ्रेड को कैसे बनाते हैं, थ्रेड को कैसे स्टार्ट करते हैं, थ्रेड के ऊपर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में सीख ली हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एल्गोरिथम की। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर एल्गोरिथम की, तो हमें ऑब्वियसली बात है बात करनी पड़ेगी सिंक्रोनाइजेशन की और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने प्रोग्राम से, फिर उसका प्रोग्राम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ समझते हैं। तो थोड़ा सा हमें लॉजिक समझाना पड़ेगा, फिर थ्रेड वगैरह के बारे में समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हम लोग कुछ समझते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी है और कंपनी किसी ने खोली, एक बंदा है श्याम ने एक कंपनी खोली और उस कंपनी में कुछ आइटम प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास दो मशीन लगी हुई हैं। एक मशीन का नाम है प्रोड्यूस आइटम, ये डेटा को प्रोड्यूस करती है आइटम को, और एक मशीन का नाम है कंज्यूम आइटम, जो डेटा को कंज्यूम करती है। तो दो मशीन लगाई गई हैं, प्रोड्यूस आइटम मशीन और कंज्यूम आइटम मशीन। प्रोड्यूस आइटम मशीन डेटा को प्रोड्यूस करती है और कंज्यूम आइटम मशीन डेटा को कंज्यूम करती है, इतना समझिए, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां से देखिए, हमें इन दोनों के लिए एक एक इंसान लाने, एम्प्लॉय लाने, जो एम्प्लॉय क्या करे, सपोज एक एम्प्लॉय मैं यहाँ पे लाया हूँ जिसका नाम है थ्रेड, प्रोड्यूसर थ्रेड, और ये प्रोड्यूसर थ्रेड एक एम्प्लॉय है, ऐसा समझ लीजिए एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय का नाम है कुछ जॉन, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है जॉन। आपने एक जॉन को लगा दिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ थ्रेड, आपने एक जॉन को लगा दिया, वो क्या करेगा, वो इस प्रोड्यूस आइटम वाली मशीन पे काम करेगा एंड ही विल प्रोड्यूस द आइटम, इस मशीन को चलाएगा और जैसे ही चलाएगा तो एक आइटम प्रोड्यूस हो जाएगा एक बार में, दोबारा चलाएगा तो दूसरा आइटम प्रोड्यूस हो जाएगा, तिबारा चलाएगा तीसरा आइटम प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ आपने एक और इंसान को बुलाया जिसका नाम है पीटर, एम्प्लॉय को बुलाया और इस पीटर को अपनी कंपनी में रखा और पीटर को सिंपली लगा दिया किसकी चीज़ के लिए, कंज्यूम आइटम को लिए। अब पीटर क्या करेगा, पीटर जब मशीन चलाएगा तो आइटम कंज्यूम होगा, पीटर जब मशीन चलाएगा तो आइटम कंज्यूम होगा, एक बार में एक आइटम कंज्यूम होगा और प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करेगा। बट हमें ये चीज़ें इस तरह सिंक्रोनाइज करनी है। तो प्रॉब्लम ये है कि ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम अभी यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो बफर स्टोरेज है वो 1 है, बफर स्टोरेज 1 है, दैट मीन्स एक बार में एक ही आइटम प्रोड्यूस हो सकता है।
नहीं, आइटम तो कई सारे प्रोड्यूस सकते हैं, बट स्टोर हम लोग एक बार में एक ही आइटम कर सकते हैं। दैट मीन्स ध्यान से देखिए, सपोज सपोज हमारे पास प्रोड्यूसर आया, जॉन आया, और जॉन ने एक आइटम प्रोड्यूस किया। जैसे एक आइटम प्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे एक आइटम आ चुका है, दिस इज योर आइटम, दिस इज आइटम आ चुका। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा सिंक्रोनाइज करना चाहिए कि अब प्रोड्यूसर ने आइटम को प्रोड्यूस कर दिया, अब दोबारा ये प्रोड्यूस ना करे जब तक ये बफर खाली ना हो जाए। जब इसको बफर खाली मिले तभी ये प्रोड्यूस करे आइटम टू, क्योंकि आइटम वन प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स अब इसने प्रोड्यूस किया, तो एक बार प्रोड्यूस हो गया, नाउ नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर आना चाहिए इसे कंज्यूम करने के लिए। एक बार प्रोड्यूस, एक बार कंज्यूम, दैट मीन्स एक बार इसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किया, नाउ अब इसे क्या करना है, अब इसे कंज्यूम करना है। तो हमें ऐसा सिंक्रोनाइज करना है कि एक बार प्रोड्यूस हो, एक बार कंज्यूम हो, एक बार प्रोड्यूस हो, एक बार कंज्यूम। तो सपोज हमें ऐसा सिंक्रोनाइज करना है कि क्योंकि हम बफर वन, बफर की स्टोरेज वन मान रहे हैं, एक ही शेल मान रहे हैं, एक ही बफर मान रहे हैं, तो हमें एक बार प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस वन, वन आइटम प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर प्रोड्यूस, कंज्यूम वन, फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस टू, कंज्यूम टू, प्रोड्यूस थ्री, कंज्यूम थ्री, प्रोड्यूस फोर, कंज्यूम फोर, प्रोड्यूस फाइव, कंज्यूम फाइव। कुछ ऐसा सिंक्रोनाइजेशन करना है कि ऐसा ना हो कि ये बंदा आ जाए प्रोड्यूस करने और ये भरा रहे आपका बफर, और ऐसा ना हो कि यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करने आ जाए और आपका बफर खाली मिले। मतलब ऐसा ना हो कि एक प्रोड्यूस वन हो जाए और कंज्यूम करें ना तब तक प्रोड्यूस टू करने आ जाए, ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। और कंज्यूमर में के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कंज्यूमर ने डेटा कंज्यूम किया और अब डेटा है ही नहीं, दोबारा कंज्यूमर पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे आइटम और कितना भी प्रोड्यूस हो तब तक कंज्यूमर वेट करता रहे, और जब प्रोड्यूस हो जाए तो उस केस में दोबारा प्रोड्यूसर जा ही ना पाए, क्योंकि प्रोड्यूस हो चुका है एक आइटम, अब जब तक कंज्यूमर उसे कंज्यूम नहीं कर सकता तब तक प्रोड्यूसर नहीं जा पाए। तो जैसे कंज्यूमर आएगा उसको कंज्यूम करेगा, नाउ इट्स टर्न टू द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर आएगा प्रोड्यूस करेगा, फिर नाउ इट्स टर्न टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर आएगा उसे कंज्यूम करेगा। तो ऐसे हमें प्रोग्राम बनाना है जिससे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर कंज्यूम करें। सो कहानी यही होगी कि हम लोग जो बनाएंगे इस वाले मेथड को, एक प्रोड्यूस आइटम का मेथड बनाएंगे, कंज्यूम आइटम का मेथड बनाएंगे, तो इस प्रोड्यूस आइटम को सिंक्रोनाइज्ड कर देंगे, इस मेथड को सिंक्रोनाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। क्यों करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सिंक्रोनाइज कीवर्ड दोनों को सिंक्रोनाइज इसलिए कर देंगे कि एक बंदा जब प्रोड्यूस कर रहा हो तो दोबारा कंज्यूम ना कर पाए, बीच में ना आ पाए, इंटरफेयर ना हो पाए। जैसे मान लो हम चाहते हैं जैसे ही जॉन आया, जॉन प्रोड्यूसर आ गया प्रोड्यूस करने, नाउ जब तक वो प्रोड्यूस कर रहा है तब तक कंज्यूमर वेट करे, तो ये किसकी हेल्प से होगा, ये सिंक्रोनाइज की हेल्प से होगा। अब जैसे कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर चुका होगा, नाउ प्रोड्यूसर अब इन्फॉर्म कर देगा, दैट मीन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की हेल्प से ये प्रोड्यूसर इसे इन्फॉर्म कर देगा कंज्यूमर को कि भाई मेरा काम हो चुका, अब आपका टर्न है। तो ये कंज्यूमर जाएगा उसको कंज्यूम करेगा, जैसे कंज्यूम करेगा तब तक तो कुछ होना होगा नहीं क्योंकि ये वाली चीज भी सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो जैसे वो कंज्यूमर कंज्यूम कर जाएगा, अब कंज्यूमर क्या करेगा, जब कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका होगा तब ये कंज्यूमर उसे फिर से क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा कि भैया मेरा काम हो चुका, अब आपका काम। तो ये दोनों काम होंगे सिंक्रोनाइज्ड, इसलिए है कि एक थ्रेड जब काम कर रहा हो तब दूसरा थ्रेड ना इंटरफेयर कर पाए। तो सिंक्रोनाइज का मतलब एक बार में एक ही थ्रेड चले, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब प्रोड्यूसर का काम हो जाए तो वो बता सके इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की हेल्प से कि भैया हमारा काम हो चुका कंज्यूमर, अब आप अपना काम स्टार्ट करो, और कंज्यूमर जब चीज़ों को कंज्यूम कर ले तब वो बता सके कि भैया अब हमारा काम हो चुका है, अब आप प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट पे एक बार में एक ही थ्रेड चलेगा, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपली आपस में दो थ्रेड कम्युनिकेट कर पाएंगे कि एक का काम हो गया तो वो नोटिफाई कर देगा दूसरे वाले को, दूसरा का काम हो गया तो वो नोटिफाई करेगा तीसरे वाले को। चलिए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बनाते हैं कैसे काम करना है। सबसे पहले हमें कंपनी वाली क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें दो मैथड्स रखने पड़ेंगे, एक प्रोड्यूस आइटम और एक कंज्यूम आइटम। नेक्स्ट उसके बाद हमें दो थ्रेड बनाने होंगे, एक को स्टार्ट करना होगा प्रोड्यूसर के लिए और एक को स्टार्ट करना होगा कंज्यूमर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपनी वाला बनाऊँगा क्लास। तो मैं क्या करूँगा, जिसके पास दो मेथड्स होंगे, एक प्रोड्यूस आइटम और एक कंज्यूम आइटम, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने थ्रेड वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा और सेव कर दूंगा इस फाइल को company.java, ठीक है, और सिंपली क्लास बना लूँगा कंपनी कंपनी। और कंपनी के पास दो मेथड बनाने हैं, पब्लिक वॉइड प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस आइटम, और एक मेथड और बनाना है इसके पास कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने के लिए, तो हम बनाएंगे पब्लिक वॉइड कंज्यूम अंडरस्कोर आइटम।
अब सिंपली प्रोड्यूस, अब यहाँ पे एक्चुअल में तो कोई काम आ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसे ही प्रोड्यूस और कंज्यूम बनाएंगे कुछ ऐसे टेक जुगाड़ लगा के। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी के पास एक वेरिएबल बना दूंगा इंट एन, और मैं कहूँगा कि भैया इंट में अगर वैल्यू आ गई तो प्रोड्यूस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जैसे प्रोड्यूसर कॉल करेगा तो इस प्रोड्यूसर को मैं दे दूंगा एक वेरिएबल एन, एन या एन दे दीजिए, और मैं कहूँगा इस एन को इसमें डाल दूंगा और हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस हो चुका, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस डेटा कर चुका होगा। तो मैं क्या कहूँगा, देखिए दिस डॉट एन लिखूंगा और लिखूंगा एन, इसका मतलब डेटा प्रोड्यूस हो चुका है। तो मैं लिख दूंगा प्रोड्यूस्ड एन, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं लिख दूंगा प्रोड्यूस्ड हो चुका है, प्रोड्यूस्ड, और प्रोड्यूस्ड में सिंपली मैं लिख दूंगा दिस डॉट एन, दिस डॉट एन, दिस डॉट एन, मतलब प्रोड्यूस हो चुका है एक आइटम। तो अगर एन की वैल्यू वन आई, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड वन, 2i प्रोड्यूस 2, 3i प्रोड्यूस 3। इसी तरह कंज्यूमर का मतलब होता है कि n को कंज्यूम करना है, तो सिंपली मैं n को रिटर्न कराऊंगा। तो पहले मैसेज दे दीजिए कंज्यूम कर चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ लिख दूंगा कंज्यूम्ड दिस डॉट n। जैसे कॉल होगा तो अगर n में रखा होगा 1 तो कंज्यूम ऑन आ जाएगा और रिटर्न भी हो जाएगा यहाँ से। जब ज़रूरत है तो आप वहाँ ले भी सकते हो, क्योंकि डेटा कंज्यूम हो चुका होगा, जो इसे कॉल कर रहा होगा उसको ये डेटा मिल चुका होगा। और रिटर्न करा दीजिए यहाँ पे सिस्टम रिटर्न, बस नॉर्मली रिटर्न लिखना है, लिखना है दिस डॉट एन, दैट्स इट, रिटर्न हो चुका होगा। तो सिंपली देख सकते हो रिटर्न हो चुका। पहले कंज्यूमर क्या करेगा, डेटा लाएगा यहाँ रख देगा, तो सपोज नहीं प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोड्यूसर डेटा लाएगा एन में, सपोज वन लाया तो इस एन में वन आ जाएगा और आ जाएगा प्रोड्यूस वन, दो आएगा इस एन में दो आ जाएगा प्रोड्यूस टू, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करेगा, जब कंज्यूम आइटम कॉल करेगा तो कंज्यूमर प्रिंट करेगा, कंज्यूम आइटम्स की हेल्प से प्रिंट करेगा कंज्यूम, अब इसमें वन होगा तो कंज्यूम वन, कंज्यूम टू, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर बन गया। नाउ अब एक चीज़ और बतानी भाई, आपको क्या करना है, इसको सिंक्रोनाइज करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस कर रहा होगा, इस प्रोड्यूस आइटम को चला रहा होगा, तब तक कोई इंटरफेयर ना कर पाए, दूसरा थ्रेड ना चल पाए, इसलिए मैंने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। इसी तरह जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको सिंक्रोनाइज इसलिए करना पड़ेगा जिससे कि जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा तो प्रोड्यूसर ना चल पाए, इस तरह से हमें काम करना होगा। तो हमारा यहाँ पे ये तो काम हो गया, अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, अभी प्रॉब्लम आएगी, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब दो थ्रेड बना लेते हैं और दोनों थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। इसका पहले एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस आइटम वाला काम दे देते हैं, कंज्यूमर को कंज्यूम वाला आइटम वाला काम देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन तो हो गया बट इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सबसे पहले दो थ्रेड बनाते हैं, तो हम बनाएंगे प्रोड्यूसर थ्रेड, तो एक न्यू फाइल करेंगे और उसको सेव करेंगे producer.java। हम लिख लें क्लास producer, और थ्रेड को कैसे, इसको थ्रेड कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली क्या करना है, एक्सटेंड्स और आपको थ्रेड क्लास, उसके बाद आपको यहाँ पे काम के लिए पब्लिक वर्ड रन मेथड ओवरराइड करना है। सारी चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ भी पिछले, बट यहाँ पे आपको प्रोड्यूस कराना है आइटम को, लेकिन प्रोड्यूस कराने के लिए, आइटम को प्रोड्यूस कराने के लिए सिंपली आपको चाहिए होगा ये प्रोड्यूस आइटम मेथड। इस वाले मेथड को कैसे कॉल करोगे, उसको कॉल करने के लिए आपको चाहिए होगा कंपनी का ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंपनी का ऑब्जेक्ट किसी तरीके से लाते हैं, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे कंपनी सी, और सिंपली मैं क्या करूँगा, इस सी को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अभी, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट लाके इसमें डाल दूंगा। देखिएगा कैसे, मैं कंस्ट्रक्टर बना लूँगा प्रोड्यूस्ड या पब्लिक प्रोड्यूस्ड, आपकी मर्जी आप कैसे बनाएं। सिंपली मैं प्रोड्यूसर बना लेता हूँ, और प्रोड्यूसर में एक कंपनी, सिंपली कोर का कॉन्सेप्ट है कंपनी सी, और मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे सी में वैल्यू आएगी मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी, दैट्स इट। तो हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे एक कंपनी का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, और वो ऑब्जेक्ट सिंपली यहाँ जाएगा और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। अब हमें सी डॉट प्रोड्यूस आइटम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे बहुत सारे आइटम प्रोड्यूस करने हैं, सपोज हमें प्रोड्यूस करते ही जाना है, करते ही जाना है। या पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमें 100 आइटम्स प्रिंट करने हैं, तो आप लूप चला सकते हो 100 तक, या अगर इनफाइनाइट करते ही जाना करते जाना, तो वाइल कोड लगा दो इनफाइनाइट। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, वाइल लगा देता हूँ एंड ट्रू, दैट्स इट, इनफाइनाइट लूप चलेगा, मतलब करते ही जाना है, करते ही जाना, करते ही जाना। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा आई, आई कौन सा आइटम है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल टू वन, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सी डॉट या दिस डॉट सी डॉट प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस अंडरस्कोर आइटम, प्रोड्यूस अंडरस्कोर आइटम, ये वाला मेथड मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोड्यूस अंडरस्कोर आइटम, और हमें पास करना है एक वैल्यू इंटीजर की। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
अपनी आई को पास कर देंगे, और आई को पास करने के बाद मैं सिंपली आई को आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई बढ़ा दूंगा, और हम चाहते हैं कि प्रोड्यूस होने के बाद वो एक सेकंड का स्लीप ले या दो सेकंड का स्लीप ले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ सिंपली मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर सकते हो थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप, स्पील नहीं स्लीप, ठीक है। तो आप स्पेलिंग ध्यान से दिखेगा स्लीप, और स्लीप में आप पास कर सकते हो जितने सेकंड टाइम पास करना है, बट नाउ यू हैव टू पास द यूनिट इन मिली सेकेंड्स। तो आप एक सेकेंड के लिए आप 1000 पास कर दोगे, और सिंपली इसको ये थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो आप क्या करोगे, आप इसको रख दोगे किसमें, आप ट्राई कैच में रख दो, ठीक है। तो आप यहाँ ट्राई कैच लगा दिए, या आप वॉइड रन के अंदर भी ट्राई कैच लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहीं पे छोटा सा ट्राई कैच लगा देता हूँ। तो आप ट्राई लगा दीजिए, इधर इधर आइए, और यहाँ पे सिंपली क्या लगा दीजिए, कैच, और एक्सेप्शन सिंपली आप कैच कर लीजिए, परफेक्ट। तो आप प्रोड्यूसर वाला काम तो हो गया, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करता जाएगा करता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के लिए भी यही काम कर लेते हैं, एग्जैक्ट यही काम कंज्यूमर के लिए भी कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग एक और क्लास बना लेंगे, थ्रेड्स पर राइट क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे कंज्यूमर डॉट जावा, और लिख देंगे क्लास कंज्यूमर एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, परफेक्ट। और हम लोग इस पर भी पब्लिक वॉइड रन बना लेंगे, और यहाँ पे हमें कंज्यूम कराने आइटम्स को, क्या कराने, कंज्यूम कराने आइटम्स को आ जाते हैं भाई। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा कंज्यूम कराने के लिए आइटम्स को, हमें चाहिए होगा ये कंज्यूम आइटम वाला मेथड, और अगर कंज्यूम वाला आइटम वाला मेथड चाहिए तो हम क्या, हमें करना पड़ेगा कंपनी का ऑब्जेक्ट। तो वही टेक्निक में लगाने वाला हूँ, एक वेरिएबल में ले लूँगा यहाँ कंपनी सी, और हम लोग बना लेंगे कंस्ट्रक्टर। तो हम लिखेंगे कंपनी, और लिख देंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे भाई कंज्यूमर, क्योंकि हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, और हम इसके कंस्ट्रक्टर में ले लेंगे कंपनी सी, और हम लिखेंगे दिस डॉट सी इक्वल टू सी, परफेक्ट। अब इस सी डॉट कंज्यूम आइटम मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कैसे करेंगे भाई कंज्यूम आइटम, वाइल का सिंपली लूप लगाएंगे, और लूप लगाएंगे, और मैं यहाँ पे कंज्यूम आइटम कॉल कर लूँगा, कैसे, दिस डॉट सी डॉट कंज्यूम अंडरस्कोर आइटम, परफेक्ट, कंज्यूम आइटम हो जाएगा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ स्लीप करे 1 सेकंड के लिए, तो सिंपली आपको फिर से यूज़ करना पड़ेगा थ्रेड डॉट स्लीप, और 1 सेकंड मतलब 1000 मिली सेकेंड, और आप ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ धीरे से ट्राई कैच लगा दिए, ट्राई, और इसको बंद कर दिए, और लगा दिए कैच एक्सेप्शन ई, कैच ब्लॉक भी बंद करिए। तो सिंपली मैंने 2 थ्रेड्स बना लिए, दोनों थ्रेड्स को उनका उनका काम कर दिया है। एक बार मैं और समझा देता हूँ, प्रोड्यूसर को मैंने इस कंपनी का प्रोड्यूस आइटम दिया है, आई दिया है, दैट मीन्स प्रोड्यूस आइटम 1, प्रोड्यूस आइटम 2, प्रोड्यूस आइटम 3, प्रोड्यूस आइटम 4, बारी बारी से एक एक सेकंड के गैप पे करता रहेगा। इस उसी समय मैं कंज्यूमर को भी स्टार्ट करूंगा, जो क्या करेगा, उसी कंपनी का कंज्यूम आइटम कॉल करेगा एक एक सेकंड पे, एक एक सेकंड पे। तो एक प्रोड्यूस करता जाएगा, एक कंज्यूम करता जाएगा, प्रोड्यूस करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं जहां पे हम दोनों को कॉल करते हैं। तो हम बना लेते हैं डेमो या मेन डॉट जावा, ठीक है, बना लेते हैं मेन डॉट सिंपली जावा, और हम बनाएंगे मेन, और हम बनाएंगे इसके अंदर मेन मेथड। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें दोनों थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो नाउ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर p इज इक्वल टू न्यू प्रोड्यूसर, परफेक्ट, और कंज्यूमर c इज इक्वल टू न्यू कंज्यूमर। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को एक कंपनी का ऑब्जेक्ट देना है। तो मैं कंपनी का ऑब्जेक्ट बना लूँगा कंपनी c इज इक्वल टू, या comp इज इक्वल टू न्यू कंपनी, परफेक्ट। और ये दोनों को हम यही ऑब्जेक्ट पास कर देंगे comp, और इसको भी हम लोग वही ऑब्जेक्ट पास कर देंगे comp। नाउ अब इस पी को भी स्टार्ट कर दिए, सी को भी स्टार्ट कर दिए, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को दोनों को मैंने बनाया था एक्सटेंड करके। तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो पी डॉट स्टार्ट, पहले प्रोड्यूसर को स्टार्ट करो, और साथ ही साथ में आप कॉल कर सकते हो सी डॉट स्टार्ट, परफेक्ट। तो दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने लगेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला। तो एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, अभी फिलहाल प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नहीं यूज़ किया है। तो मैंने एक सिंपली कंपनी बना ली है,
जिसके अंदर दो फंक्शंस, दो मेथड्स लगते हैं, प्रोड्यूस आइटम एंड कंज्यूम आइटम। और फिर मैंने क्या किया है कि सिंपली मैंने दो थ्रेड बना लिए, एक प्रोड्यूस आइटम, उसको मैंने प्रोड्यूस करा दिया एक एक आइटम करके इनफाइनाइट तक, और इसी तरह मैंने कंज्यूमर बना लिया है जिसे मैंने क्या करा दिया, कंज्यूम करा दिया। ये कोड जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर कोड मिल जाएगा, आप जाके इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पहले चलाते हैं और देखते हैं कौन सी दिक्कत आने वाली है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम लोग चलते हैं सिंपली डेस्कटॉप पे। तो लिखेंगे cd डेस्कटॉप, लिखेंगे जावा, अभी एक और थ्रेड्स के अंदर जाना है, तो भाई थ्रेड्स के अंदर चले जाओ, गलती मत करिएगा अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एक एक करके सारे प्रोग्राम को कंपाइल करिए। तो हम लिखेंगे जावा सी कंपनी डॉट जावा सबसे पहले। नाउ प्रोड्यूसर को कंपाइल करिए, नाउ कंज्यूमर को कंपाइल करिए, ठीक है। तो आपको लिखना है जावा सी नॉट जावा। नाउ अब कंपाइल करिए मेन को, नाउ अब रन करिए मेन को, क्योंकि मेन मेथड हमारा मेन में है, तो लिखेंगे जावा मेन। तो आप देख पाओगे यहां पे आउटपुट आ रहा है, बट फिलहाल ये आउटपुट ऐसा आ रहा है, बट ऐसा होना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस वन कंज्यूम वन, तो इसको रोकता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने प्रोड्यूसर को स्टार्ट किया, तो एक सेकंड का इसको भी स्लीप करना है, एक सेकंड इसको भी स्लीप करना है, तो जब तक स्लीप कर रहा था तब तक इसने कंज्यूम कर लिया, तो इसलिए 1-1 आया। अगर मैं स्लीप टाइम घटा बढ़ा देता हूँ तो देखिएगा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कंज्यूमर के स्लीप टाइम मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। नाउ अब क्या करता हूँ, मैं फिर से कंज्यूमर को कंपाइल करता हूँ जावा सी कंज्यूमर डॉट जावा, और अपने मेन को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आप देखोगे दिक्कत क्या है, ठीक है, दिक्कत दिख रही है। देखो अब दिक्कत समझिए, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 1, नाउ कंज्यूमर ने 1 कंज्यूम कर लिया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 2, अब कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए था 2, बट प्रोड्यूसर ने 3 भी प्रोड्यूस कर दिया जब तक कंज्यूमर सो रहा था। दैट मीन्स प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस 2 किया, प्रोड्यूस 3 कर दिया, जबकि आपका बफर तो खाली नहीं था, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, और कंज्यूमर ने 3 कंज्यूम किया, 2 तो कंज्यूम ही नहीं किया, तब तक प्रोड्यूसर ने 4 प्रोड्यूस कर दिया, दिक्कत हो गई। अभी 2 तो बचा हुआ था, तब तक प्रोड्यूसर 4 प्रोड्यूस कर चुका है, 5 प्रोड्यूस कर चुका है, कंज्यूमर 5 किया, इसका मतलब प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। आ जाते हैं अपने कंपनी में, ये इसको बनाना है हमें कुछ ऐसा जिससे कि दोनों थ्रेड, जो इसे चला रहा हो इसे चला रहा हो, वो आपस में बात कर पाए। तो देखिएगा कैसे, सपोज आपके पास एक बुलियन वैल्यू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुलियन और एफ, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू ले लेता हूँ या फॉल्स ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लीजिए, बस मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। सपोज हम क्या करते हैं, अगर f की वैल्यू फॉल्स है, इफ़ f इज़ फॉल्स, नाउ अब समझिएगा करना क्या है, अगर फॉल्स है दैट मीन्स चांस है प्रोड्यूसर का, चांस है किसका, प्रोड्यूसर का, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, चांस है प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, जब फॉल्स है तो दैट मीन्स अगर फॉल्स वैल्यू एफ की फॉल्स वैल्यू तो प्रोड्यूसर का चांस है, बट अगर फॉल्स पे कंज्यूमर को मिल गया तो वेट करेगा। दैट मीन्स अगर इफ अगर यहाँ पे इसको फॉल्स मिल गया, तो अगर नॉट एफ मिल गया, दैट मीन्स अगर इसको फॉल्स एज अ ट्रू मिल गया, तो आप ये कंज्यूमर क्या करेगा, वेट करेगा, कंज्यूमर वेट करेगा। दैट मीन्स क्योंकि अगर एफ की वैल्यू फॉल्स है, ऑब्वियस बात प्रोड्यूसर का चांस है, तो फॉल्स पे फॉल्स यहाँ आएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वेट करता रहेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर फॉल्स पे कंज्यूमर का चांस आ गया तो कंज्यूमर वेट करेगा, लेकिन अगर ट्रू आ जाता, दैट ये ट्रू हो जाता, तो ये नहीं चलता, और वो कंज्यूमर ये क्या करता, कंज्यूम करता आइटम को। करने के बाद ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ट्रू पे नीचे आया था, तो ये इस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। दैट मींस नाउ चांस है प्रोड्यूसर का, अब ये कंज्यूम कर चुका है, और साथ ही साथ में ये नोटिफाई भी कर देगा, ये क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा कि भाई मेरा काम खत्म हो गया। इसी तरह हमें ये भी समझना है कि अगर इफ इस केस एफ की वैल्यू ट्रू है, नाउ ये चांस है किसका, ये चांस है कंज्यूमर का, मतलब कंज्यूमर का चांस है, बट अगर इस केस में प्रोड्यूसर आ गया तो इसको मिलेगा इफ ट्रू, और अगर ट्रू मिलेगा दैट मीन्स कंज्यूमर का चांस है, तो भैया आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर लो, वेट करता रहेगा जब तक एफ की वैल्यू उसको यहाँ पे फॉल्स नहीं मिल जाती, ठीक है। जैसे ही फॉल्स मिलेगी ये चलेगा प्रिंट होगा, और ये चलेगा, और ये क्या करेगा, एफ की वैल्यू सिंपली ट्रू कर देगा। दैट मीन्स अगर एफ की वैल्यू ट्रू हो गई,
तो कंज्यूमर नीचे कंज्यूम करेगा और ये जो थ्रेड वेट कर रहा होगा उसको ये नोटिफाई भी कर देगा। इस तरीके से दोनों आपस में काम करेंगे। तो आप देखिए, अगर कंज्यूमर का चांस है तो कंज्यूमर ही चलेगा। कंज्यूमर चलने के बाद वैल्यू को बदलेगा और उसको नोटिफाई भी कर देगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर का चांस होगा तो प्रोड्यूसर चलेगा और प्रोड्यूसर चलने के बाद उसको वो नोटिफाई कर देगा। दैट मीन्स आप खुद देखो, अगर प्रोड्यूसर का चांस है तो फॉल्स है तो ये बसेगा, ये इसमें नहीं फंसेगा, वो डायरेक्ट यहाँ आएगा, प्रोड्यूस करेगा, काम करेगा, दैट्स इट। और वो दूसरे को नोटिफाई कर देगा वैल्यू को बदलने के बाद। अब ट्रू के बाद नोटिफाई किया, दैट मीन्स कंज्यूमर का चांस आ गया कि कंज्यूमर ट्रू मिला और कंज्यूमर नहीं फंसेगा। अब हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के हेल्प से दोनों थ्रेड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपस में बात भी कर रहे होंगे कि भैया किसकी चांस है, कौन चलेगा, किसकी चांस है, कौन चलेगा। अब प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो लिखेंगे जावा सी कंपनी डॉट जावा और हम लोग, तो यहाँ पे आएगी एक्सेप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेट में ट्राई कैच लगा सकते हो या आप इसको थ्रोज भी कर सकते हो, थ्रोज एक्सेप्शन, परफेक्ट। ठीक है, आप एक्सेप्शन ले लो या ट्राई कैच लगा दो, बात एक ही है, इसके लिए भी कर दो क्योंकि आएगी इंटरप्टेड एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन, परफेक्ट। आ जाइए और फिर अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल हो गया, अब आपने मेन को रन कर दिया और देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि देखिए प्रोड्यूस वन कंज्यूम वन, प्रोड्यूस टू कंज्यूम टू, प्रोड्यूस थ्री। अब देखिए कंज्यूमर वेट कर रहा है, ठीक है, तो कंज्यूम थ्री, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर वेट कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर वेट कर रहा है, इस तरीके से काम होगा। तो अब ऐसे चलता जाएगा, लेकिन आप देखेंगे हमेशा प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर ही आएगा, वो कंज्यूम करेगा डेटा। कितना ही टाइम प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने में क्यों ना लगा दे और कंज्यूमर कंज्यूम करने में क्यों ना लगा दे, बट दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड की हेल्प से और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की हेल्प से। एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बात भी कर रहा है आपस में कि भैया मैंने प्रोड्यूस कर दिया, अब आप कंज्यूम करो, वो कह रहा है भैया मैंने कंज्यूम कर लिया, आप प्रोड्यूस करो, वो कहेगा मैंने प्रोड्यूस कर दिया, आप कंज्यूम करो, इस तरीके से दोनों आपस में काम करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 21 आइटम्स प्रोड्यूस और कंज्यूम कराए और आप देख सकते हो प्रोड्यूस वन कंज्यूम वन, प्रोड्यूस टू कंज्यूम टू, प्रोड्यूस थ्री कंज्यूम थ्री, प्रोड्यूस फाइव कंज्यूम सिक्स, इस तरीके से। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी करा दिया और मैंने कुछ एग्जांपल भी कर लिया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैंने यहाँ पे अपना काम कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग की वीडियो बना दी और वीडियो में मैंने सारी चीज़ समझाई है कि सारे थ्रेड का पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी कराया। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स किस वीडियो पे बनाऊँ, किस टॉपिक बनाऊँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।